वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ पेपर 2023, जो कि आज पेपर हुआ है बच्चों का। तो इस पेपर, जैसे कि आप देख सकते हो, यूपी बोर्ड का जो है ये सेट कौन सा हमारे पास 822 DW, ठीक है। तो इसको आज हम पूरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा पेपर आपके सामने आया हुआ है। अब देखो, आपका खंड नंबर आपका आ है, इसके अंदर आपका कौन सा है, पार्ट नंबर ए का पहला क्वेश्चन, आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो, निम्नलिखित तो संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। जैसे पहला इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है √9। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी बटे क्यू के रूप में लिख सको, जैसे √9 है, इसको आप लिख सकते हो क्या, बाहर निकाल सकते हो इसे 3। तो यही हमारी एक परिमेय संख्या, पहला इसका ऑप्शन क्या है करेक्ट। जैसे कि जैसे आपका बी ऑप्शन है √3, इसकी वैल्यू आपकी 1.732 होती है, जो लगभग रुकती नहीं है, इसलिए आपकी अपरिमेय संख्या होती है। और साथ में √0.1, ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारी क्या बेटा, अपरिमेय है। और ऑप्शन नंबर डी भी, ये भी हमारे क्या बेटा, अपरिमेय, कभी रुक नहीं रहा है और रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हुआ, पहला सही हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन क्या देखा है, रेखीय समीकरण युग्म को हल करना था। यह सबसे सिंपल क्वेश्चन था आपका, एक्स प्लस वाई बराबर कितना था आपका 10, समीकरण नंबर 1 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है हमारे पास 4 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को हल कैसे करते थे, आप दोनों को जोड़ देते, जोड़ने पर क्या होता हमारा, y से y कट जाता, x और x कितना हो जाएगा 2x, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7, क्लियर होगा। और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप रख दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो x की वैल्यू रखी 7 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो देख सकते हो x 7 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। ऑप्शन नंबर देखो आपका कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका क्या बेटा करेक्ट है, समझ में आपको ये। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो बिंदु दे रखा है 5.9 की बायस से दूरी, किससे पूछिए, बायस से दूरी, किससे पूछिए, बायस से। देखो इसका डायरेक्टली आपको सीधा बताते हैं, इसको हमने काफी बच्चों को बता रखा है, बायस से दूरी कैसे होता है, सीधा एक्स की वैल्यू रख दो, 5 इकाई होगा, या फिर कह सकते हो 5 मात्र। अब ये होता कैसे, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, जैसे ही आप बात समझो, ऐसे समझो आप, ऐसे रफली, ये एक्स एच और ये वाई एच, तो यहाँ पर कितना है, एक्स पर कितना चला होगा 5, 1 2 3 4 5, ये होगा, वाई पर कितना चला होगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा होगा कितना, 5.9। अब उन्होंने क्या पूछा, बाई से दूरी, तो बाई से दूरी तो यही हुई ना, बाई एस से दूरी तो यही हुई ना, ये कितना चला है 5, और ये भी कितनी होगी 5, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 5 इकाई, 5 मात्रक। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 5√2 cm है, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या है। देखो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, समकोण है 90 अंश है, और कर्ण की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, कर्ण की वैल्यू, और भुजा कितनी दे रखी है आपकी 5√2 है, और ये भी कितनी बेटा 5√2 है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना होता है हमारे पास, देखो बेटा 5√2 है, उसका वर्ग प्लस 5√2 उसका वर्ग, तो 5√2 का वर्ग कितना होगा 25, √2 का वर्ग कितना होता है 2, 25 और कितना है हमारे पास 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 प्लस 50, कितना हो जाएगा 100, तो k बराबर कितना आ जाएगा आपका √100 बराबर 10 मात्रक, या फिर 10 इकाई, जो भी आपका दे रखा हो, 10 सेंटीमीटर, क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ए ऑप्शन क्या है करेक्ट, क्लियर हो रहा है आपको ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है आपका, 5, ये सिंपल ही क्वेश्चन आए थे आपके, क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखो कितना सिंपल दे रखा है, ये भी हमारा साइन स्क्वायर 18 डिग्री है माइनस का, कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन में आपने क्या नोटिस करने वाली बात है, जैसे कि आपका एंगल 18 है और यहाँ पर कितना है 72, दोनों में से किसी को सेम कर लो, 18 को 72 में बदल लो या फिर 72 को किसमें बदल लो, 18 में, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि साइन स्क्वायर 18 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 72, माइनस का कोस स्क्वायर 72। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा, कोस स्क्वायर कितना होगा 72 माइनस का कोस स्क्वायर 72, इससे एक अट गया कितना है हमारे पास 0, दैट योर आंसर। तो देख सकते हो 0 कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। इधर ही कर लेते हैं हम लोग आगे भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दे रखा है? देखो ये क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत है। इसमें क्या देखो, किसी धनात्मक संपूर्णांक, देखो संपूर्णांक दे रखा है, संपूर्णांक, संपूर्णांक हमें दे रखा है कितना है, पी है। देखना बेटा सम संख्या, ये पूर्णांक नहीं है आपका। और इसमें क्या पूछा, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या पूछा है, विषम पूर्णांक। और काफी बच्चे देखो विषम पूर्णांक क्या लगा के हैं, इसका आंसर पूर्णांक कितना लगा के हैं, 2p+1, क्या लगा के हैं, 2p+1, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा, सीधा सीधा p+1, क्योंकि देखो ये विषम, ये तो सम संख्या है, सम आपकी वजह से मान लेते 2 है, उसमें यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो यहां पर कितना हो जाएगा, p+1। अब लेकिन किसी के बच्चे में चल रहा है सर 2 है, 2 का यदि 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4, उसमें 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, ये भी तो विषम है। सही बात है, लेकिन जहां तक ये पी के लिए ये वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट माना जाएगा, है ये भी सही 2p+1 वाला भी, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन कौन सा सही है, p+1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये काफी बच्चे इसको लगा के आएंगे, काफी बच्चे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, देखो यदि संख्याओं 7, 8, 11 x और 11 और 14 का माध्य x का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बात समझो, कितना दे रखा है, 7, 8, x, 11 और 14 का समांतर माध्य भी हमें दे रखा है, मतलब कि x बार भी हमें कितना दे रखा है, x है। तो x बार का फॉर्मूला आपको होता है, इन सबको जोड़ लो आप, 7+8+x+11+14 बटे कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 का भाग दे दो। x बार भी कितने है, x है, इधर इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, देखो बात समझो, 7 और 8 कितने हो गए यहाँ पर, 15 और ये कितने हो गए यहाँ पर, देखो 15 और 11 कितने हो गए, 26, 26 और 14 कितने हो गए, 40, कितने हो गए, 40+x बटे 5 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पर, 5x बराबर कितना हो गया, 40+x, x इधर आ गया कितना हो गया, 5x माइनस का x बराबर 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4x बराबर 40, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10, कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको 7 क्वेश्चन तक, ठीक है। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर है 8, क्या दे रखा है ये, यदि द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0 के मूल समान है, मूल क्या दे रखे हैं, समान, मूल समान होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, b2 - 4ac का मान क्या होता है, 0। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है, क्या दे रखा है हमारा, ax2 + bx + c = 0। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि इसके मूल समान है, तो सीधा सीधा b2 = 4ac है, मतलब b2 - 4ac = 0। देखो यहाँ पर a का मान a है, b का मान b है, c का मान c है, तो यहाँ से सवाल में क्या पूछा, c का मान निकालो, किसका निकालना है, c का, तो b2 = इस माइनस को इधर भेजेंगे तो इसका हो जाएगा +4ac, और c का मान निकालेंगे तो 4a कहाँ जाएगा, डिवाइड में b2 / 4a c का मान, तो c का मान कितना हो गया, b2 / 4a। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन क्या हमारा, करेक्ट है। क्लियर हुआ आपको ये वाला क्वेश्चन? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 9। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसमें एक आपको ट्रायंगल बना रखा है, उसमें थेल्स प्रमेय का आपका यूज करना पड़ेगा आपको। देखो ये देखो क्या दे रखा है, देखो एक बार इसका ट्रायंगल बनाते हैं, क्या यहां पर देखो, ये डी और ई है, ए है, और ये कितना है हमारे पास, बी है, और ये कितना है हमारे पास, सी है, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। और यहां पर क्या क्या दे रखा है, एडी जो है वो x+3 है, ये कितनी है, x+3 है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना है, x है, और कितना है यहाँ पर, 3x+19 है, और ये कितना है हमारे पास, 3x+4। देखो इसके अंदर क्या है, हमारे थेल्स प्रमेय क्यों लग रही है, क्योंकि DE समांतर क्या दे रखा है, DE समांतर किसके है हमारे पास, BC के, जो DE भुजा है वो किसके समांतर है, BC के, यदि समांतर है तो किससे लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, बल्कि आपको जो ऑब्जेक्टिव है ना, तो भी आप ऐसे थोड़ा बहुत हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो कि ये भुजा बटे ये वाली भुजा कौन सी, AD बटे कौन सी बेटा, AD बटे कौन सा आपका, DB, किसके इक्वल होगा हमारा, AE बटे EC के, AE बटे EC के, क्लियर हुआ आपको। अब देखो AD का मान कितना है हमारे पास, x+3 है, DB का मान कितना है हमारे पास, 3x+19 है, बराबर इसका मान कितना है हमारे पास, AE है, AE का मान कितना है हमारे पास, x है, और ये कितना है हमारे पास, 3x+4, ठीक है। तो अब क्या रहोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इधर और इसका इधर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x+3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा हमारे पास, 3x+4 में,
और 3x प्लस 19 का मल्टीप्लाई होगा आपका x में। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4x, और 3 का अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 जा 9x, प्लस में 3 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, प्लस का 19 का इसमें किया तो 19x। देख सकते हो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, ये कितना हो जाएगा आपका 9 4 13, 13 उधर जाएंगे तो इसके हो जाएंगे माइनस के 12 बराबर 19x माइनस का 13x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x, 12 बराबर कितना हो जाएगा 19 में से 13 का इतना आपके 6x, और 6 से इसे काटेंगे कितना आएगा 2, तो x का मान कितना आएगा 2। अब इस सवाल में पूछा गया था x का मान ही पूछ रखा है 2, तो x बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पीछे लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी सही है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर कर सकते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रहता है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक सम संख्या कौन सी आपकी धनात्मक सम संख्या है, तो 1 से लेके 10 तक के बीच में समांतर वो सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है और 10 होती है। 10 तक का है, 10 से पहले नहीं का है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, 10 तक। तो इनका आपको समांतर माध्य निकालना, कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे में कितना कर दोगे 5, कितने लोग हैं 5, 1 2 3 4 5, क्लियर हुआ। अब इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 6 4 10, 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 और 10 कितने हो गए 30 बटे 5, 5 से काटा कितना आया 6, एक्स बार कितना आया हमारे पास 6, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, डी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट, क्लियर हुआ आपको यहाँ पर। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 11, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आपको आता ही है, फैक्टर करना था इसका 156, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 11, 156 है, इसके फैक्टर कर देते, 2 से काटो, 2 सत्ते 14 है, हंसी लगी 1, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काट दो इसे, 2 से फिर काटा, 2 तिया 6, 2 निम 18, 3 से काटो कितना आएगा 1, 3 और 13 से काटो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर कितना हुआ 156 को ऐसे लिख सकते हो 2, कितनी बार 2 बार 2 की पावर 2, 3 गुणा 13, तो ये ऑप्शन चेक करो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है बी सही है, करेक्ट किया ला दो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्लियर हुआ आपको ये, तो सिंपल था आपका। 12वां सवाल, 12वां क्या दे रखा है, देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो माध्यक है, इसका माध्यक आपको ज्ञात करना है। आपको देखो माध्य दे रखा है, माध्य कितना है हमारे पास 24 है और बहुलक कितना है इसका 12, और आपको क्या निकालना है इसमें माध्यिका निकालनी है, क्या निकालनी है माध्यक, मतलब माध्यक आपको निकालना है। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ये तीनों में रिलेशन वाला, ये काफी बार क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में वाला, बताया भी था हमने आपको जैसे कि, तो ये देखो इसका क्या है हमारा, जैसे ही हमारा देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुणा माध्यक बराबर क्या होता है हमारा देखो बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो माध्यक का यहाँ पर निकला है, बहुलक कितना है हमारे पास 12 है, प्लस में 2 गुणा माध्य कितना है हमारे पास 24 है, 24 दूनी कितने होते हैं हमारे 48, 48 और 12 कितने हो गए 60, और इधर 3 माध्य का यहाँ पर क्या चल रहा है 3 गुणा माध्य, तो 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा हमारे यहाँ पर 20, तो कितना आएगा माध्यक, माध्यक कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये पिछले साल भी आपके पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, यदि रेखिक समीकरण युग्म, ये दो दे रखे हैं आपको कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसका मतलब क्या होगा, ये संपाती रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं हमारी संपाती रेखाएं हैं, समझ में आ रहा है आपको, जैसे कि इसको 13वां सवाल हम आपको यहाँ पे करवाते हैं, 13वां है हमारी जो संपाती रेखाएं, क्योंकि अनेक हल दे रखे हैं ना आपके, 2x प्लस 3y बराबर कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है, और इधर कितना दे रखा है आपका 4x प्लस ky बराबर कितना है 10, तो अनेक हल हैं तो क्या होगा हमारी संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं में क्या होता है इनका रेशियो सीधा ले लो 2/4 बराबर 3/k बराबर 5/10, क्लियर होगा आपको। तो यहाँ से आपका कट रहा है, यहाँ पर देखो 2 से काट सकते हो कितना आ जाएगा 1/2, बल्कि इधर भी आपका 1/2 आ रहा है, किसी को भी ले लो, देखो आप क्या लेना चाहो इधर ले लो 1/2, 1/2 बराबर कितना ले सकते हो 3/k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, के का मान कितना आ जाएगा 6, के का मान कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका आंसर सही है, डी ऑप्शन क्या है करेक्ट, क्लियर होगा आपको इतना। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 14, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, अच्छे लेवल का है आपका, एक दे रखा है ए बी सी और
बी डी ई दो संभाव त्रिभुज इस प्रकार है, दोनों क्या हमारे संभाव त्रिभुज है, दोनों क्या हमारे संभाव त्रिभुज है, कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, जो डी भुजा है, डी जो है बिंदु बीसी का क्या है मध्य बिंदु है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफलों का आपको क्या निकालना है। देखो एक बार इसको समझो कि थोड़ा आपका है क्षेत्रफल वाली प्रमेय आपने जो पढ़ी थी ना त्रिभुज में, उसका ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। देखो सिंपल क्वेश्चन था, काफी बच्चे करके भी आए होंगे इसे। देखो त्रिभुज एबीसी है हमारे पास, देखो इस तरीके से ए बी सी, ठीक है, ये हमें दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है, डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु कौन है, डी, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। अच्छा बी डी एक अलग है, जैसे ये बी डी और ई इधर ऐसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये रहा हमारा ई पॉइंट, बस समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, बस और कुछ नहीं, समझ में आ रहा आपको, ये ई पॉइंट हम लोगों ने मान लिया। इधर आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, अच्छा दोनों संभाव त्रिभुज हैं इसलिए आपके दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, दोनों क्या होंगे समरूप। अब देखो आपने एबीसी का क्षेत्रफल हमसे क्या सवाल पूछा, एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज किसका हमारा, त्रिभुज किसका हमारा, बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल। इसको देखो आपको होता है संगत भुजाएं समानुपात में होती है, संगत भुजाएं क्या होती है हमारी समानुपात में वर्ग वो भी होते हैं। देखो जैसे आप कह सकते हो, जैसे आप कह सकते हो बीसी, कह सकते हो आप बीसी, कह सकते हो आप बीसी बटे बीडी का वर्ग। देखो त्रिभुज एबीसी की भुजा आपकी बीसी है और इसकी आप ये छोटे वाले संभाव त्रिभुज है, इसकी भुजा कौन सी आपकी बीडी है, इसको लिख दिया आपको उन्होंने। आप कह सकते हो जो ये मध्य बिंदु है, तो आप कह सकते हो जो बीसी भुजा है वो बीडी का कितना होगा, ट्वाइस होगा, बीडी का कितना होगा हमारा, ट्वाइस होगा, दो गुना होगा आपका, बीडी का दो गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बीसी, ये तो आप समझ सकते हो। अब यहां पर आप लिख दो यहां पर टू बीडी बटे बीडी उसका होल स्क्वायर, इससे इससे कटा कितना है आपका दो का वर्ग चार बटे एक, अनुपात कितना होगा चार अनुपात तीन। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी, आपका क्या है सही है। अच्छा क्वेश्चन था आपके ये समझने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है 15 वाला, ये तो उसका दे रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 15, ये तो कर लिया होगा काफी बच्चों ने, क्या है हमारा कोसे बराबर कितना दे रखा है 7/25, कितना दे रखा है 7/25, तो हमें टेन ए प्लस कोटे का मान निकालना है, किसका निकालना है टेन ए प्लस किसका निकालना है कोटे का, हमें क्या निकालना है मान निकालना है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं ट्रायंगल बना के आप इसको कर सकते हो, काफी मेथड है साइन कोस में चेंज कर सकते हो, या फिर आप ट्रायंगल बना के करिए जैसे आपको आता है, जैसे इधर आप बना लीजिए, इधर की तरफ बना लो, उधर की तरफ वैल्यू निकाल देंगे सीधा, इधर इधर देखो बात समझिए, आपको पता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, आधार कितना है हमारे पास 7 है, कर्ण कितना है हमारे पास 25 है, कितना है हमारा कर्ण कितना है हमारे पास 25 है, तो इसका आप लंब निकाल लोगे, क्या निकालोगे लंब, पाइथागोरस प्रमेय आपको जानते हैं सीधा, 25 का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर कितना होता है हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का मतलब मतलब की 7 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 49 इधर आएंगे तो इसको माइनस के एल स्क्वायर, आप इसमें से आप घटाओ 15 में से 6 गए इतने, 15 में से 9 गए इतने ऊंचे आपके 6, और यहाँ पर 11 में से 4 गए इतने ऊंचे 7 और 5, 576, और 576 किसका होता है हमारा, किसका होता है हमारा, इधर कर लेते हैं आप एल स्क्वायर बराबर 576 है हमारा, देखिए धीरे एल बराबर कितना होता है अंडर रूट 576, ये किसका होता है हमारा पास 24 का, ये आपको बतानी चाहिए कि आपको लंब पता लग गया 24 है, और आप जानते हैं जो टेन ए होता है वो क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है हमारे पास 24, आधार कितना है हमारे पास, आधार कितना है हमारे पास 7, और कोट इसका उल्टा होता है 7/24 कर सकते हो, ठीक है। अब एलसीएम लोगे, क्या लोगे इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना है 7×24 मिलेगी, 7×6 28 हासिल लगी 2, 7×2 14, 14 और 2 कितना हो गया हमारे पास 16, ठीक है 24 का इधर गुणा हो जाएगा आपका, इसमें गुणा कितना होगा 24 का, इसमें गुणा होगा कितने का 7 का, 24 का इतना ही है तो 576 प्लस में 7 और 7 का किया 49 कितना हो जाएगा यहाँ पर 625 बटे में 168, देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी, आपका क्या है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुके थे, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 16, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या दे रखा है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो बात समझो क्या है, जैसे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी आपके पास 4 सेंटीमीटर थी, और एक इससे छोटा है आपका, इसकी त्रिज्या कितनी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, इन दोनों को मिला के एक बड़ा हमने क्या बनाया एक सर्कल बनाया जिनके क्षेत्रफल का योग है, मतलब कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल के योग के बराबर इसका क्षेत्रफल है, और कितना दे रखा है इसका
इसकी त्रिज्या आपको याद करनी है, तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है आर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, देखो इसका क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, आर वन दे दो इसे, पाई आर टू दे दो, और इसके क्षेत्रफल के बराबर है, समझ में। तो त्रिज्या इसकी इतनी देखिए आपको, चार, चार का वर्ग प्लस में पाई, ये कितना है हमारे पास तीन का वर्ग, पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन है, चार का वर्ग सोलह, तीन का वर्ग आपका इतना होता है नौ, बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटा हमारा पच्चीस हो गया, बराबर आर स्क्वायर, आर का मान कितना हो गया हमारे पास पांच सेंटीमीटर, तो नई त्रिज्या कितनी होगी पांच सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ये ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, क्लियर हुआ आपको ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण के मूल हैं, अच्छा इसके आपको फैक्टर करने थे आपके सीधे से, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का टेन इक्वल टू जीरो, ये तो कर लिया होगा आप लोग सभी लोगों ने, माइनस थ्री एक्स इक्वल टू मतलब टेन इक्वल टू जीरो, ठीक है, टेन के ऐसे फैक्टर हो जिसे आपके माइनस करने पर आपका इतना आ जाए थ्री आ जाए, एक्स स्क्वायर तो आप जानते हो फाइव माइनस टू माइनस टेन इक्वल टू जीरो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस टू एक्स, इधर क्या कॉमन है आपका एक्स माइनस फाइव, टू कॉमन है एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक आपका आ जाएगा एक्स माइनस फाइव और एक कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स का मान कितना होगा यहाँ पर पाँच, और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स का मान कितना होगा हमारे पास माइनस टू, दैट योर आंसर, क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, प्लस फाइव और माइनस टू, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है इसमें, बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, कितना क्लियर हुआ आपको, हाँ। और अब है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन नंबर, अब 18 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 17 तक हो चुके हैं, 18 वाला क्वेश्चन आपका देखो, इधर अठारह क्या दे रखा है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की अंडर रूट तीन गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, देखो ध्यान से समझो, एक समतल पर एक मीनार है, ये देखो ये मीनार है उसका, ये समतल आपका ये जमीन इस तरीके से, इसका उन्नयन कोण मतलब क्या दे रखा है, उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना, मतलब थीटा आपको ज्ञात करना है, ये थीटा आपको एंगल आपको ज्ञात करना है, देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करके आए हैं, मीनार की छाया की लंबाई, ये बेटा देखो ये होती है छाया की लंबाई, छाया की लंबाई ऊंचाई की अंडर रूट तीन गुनी है, यदि ऊंचाई आपकी एच है तो ये इसकी ऊंचाई की कितनी है अंडर रूट तीन गुनी है, बच्चे क्या करके आए हैं इसको अंडर रूट तीन लगा के आए हैं, सवाल में सही लिखा है, देखो मीनार की छाया की लंबाई, किसकी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की अंडर रूट तीन गुनी है, ऊंचाई की इतनी है अंडर रूट तीन गुनी है, ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट था, अब आप तो लगा लोगे लंब बटे आपका आधार है टेन थीटा आप लगा दोगे सीधा सीधा, लंब कितना है एच बटे अंडर रूट तीन बटे एच, ऐसे एच कटा एक बटे रूट तीन बचा टेन थीटा, कितने इंच का मान होता है तीस अंश का मान होता है, कितने का होता है ये तीस, और थीटा का मान कितना है आपका तीस, और काफी बच्चे इसके अंदर क्या लगा के आएंगे साठ अंश, क्या लगा के आ रहे हैं साठ अंश, साठ अंश नहीं होगा इसका तीस अंश होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट, क्लियर होगा आपको। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो मतलब क्या आपको दे रखा है बेलन दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 19वां, बेलन जानते हो इस तरीके से, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, देखो जिसकी ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर, ये कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या दे रखा है इसके अंदर 4 सेंटीमीटर इसका व्यास है, व्यास इसका इतना है 4 सेंटीमीटर, व्यास कितना है इसका 4 सेंटीमीटर है, हाँ, और इसको क्या किया, इसको पिघलाकर क्या किया, इसे पिघलाया गया है, पिघलाकर क्या बनाया गया हमें, मतलब ठोस गोले बनाए गए, क्या बनाए गए मतलब गोले बहुत सारे बनाए गए इस तरीके से, और जिसका व्यास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, जिसका व्यास कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जल्दी जल्दी समझते हैं क्या क्या कहानी है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, इसमें ठोसों की गोलों की संख्या निकालनी है, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, मतलब देखो इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास 45 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, जैसे व्यास है इतना, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चार की आधी कितनी होती है 2 सेंटीमीटर, आर वन दे दिए इसको नाम, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी आर टू दे सकते हैं, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 के आधा कितना होगा 3 सेंटीमीटर,
देखो जब भी पिघलाकर बनाया जाता है तो इसका आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा बराबर, तो क्या कर दो कि इसका इसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, रेडियस इसकी आर बने, और यहाँ पर लेते हैं एन, मतलब कि एन गोले बनाए गए हैं, और इसका आयतन कितना होता है आपका 4/3 पाई आर की, ठीक है। आप काट पीट कर लो, यहाँ पर पाई से आपका पाई कट गया, यहाँ पर आर वन का मान कितना हमारा 2 है, 2 का वर्ग 2 × 2, ऊंचाई कितनी है हमारे पास 45 है, एन इंटू 4/3। आर टू, आर टू कितना है हमारे पास 3 है, 3 × 3 × 3, 1 3 से 1 3 कटा, ये 4 से ये, और ये कट जाएंगे आपके 45 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 9 n, 9 से 20 काट सकते हो, 9 × 5 = 45, n बराबर कितना आएगा 5। रेडी योर आंसर, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट है, क्लियर होगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है हमें, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि AD लंबवत BC पर है, तो AD बराबर AD स्क्वायर किसके बराबर है। देखो ये क्वेश्चन, देखो काफी बच्चे अटक गए इसमें करने में, हमने आपको अच्छी तरह से बताया भी था, ये वाला समबाहु त्रिभुज दे रखा है, जैसे ए बी और सी, AD लंबवत है किसके, BC के, AD किसके लंबवत है आपका BC पे, BC के ऊपर क्या है लंब है, यहाँ पर क्या है हमारा AD जो है वो लंबवत किसके आपके BC पे, ठीक है। तो हमें ये पूछ रखा है कि AD स्क्वायर किसके बराबर है, AD स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी है, और देखो ऑप्शन जरूर देखा करो, ऑप्शन में हर जगह DC आ रहा है, क्या रहा है DC, मतलब DC का मतलब कि ये वाली साइड आ रही है, कौन सी साइड आ रही है, ये वाली साइड। तो हमने आपको बताया AD क्या है इसका, देखो शीर्ष है ना, मतलब इसकी मतलब लंब की लंबाई है ना, और आपको होता है समबाहु त्रिभुज में जो लंब डाला जाता है, क्या डाला जाता है लंब, लंब क्या होता है हमारा, देखो AD बराबर क्या होता है √3/2 भुजा, भुजा कितनी है हमारे पास BC, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए पहले से भी, और ना तो आप ऐसा करते तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, टाइम वेस्ट होगा, तो आपको सीधा पता होना चाहिए जो लंब डाला जाता है वो भुजा का कितना होता है √3/2 होता है, और BC क्या है, देखो BC जो, ये देखो जो लंब डाला गया है संभव त्रिभुज की क्या खासियत होती है, इसको बराबर इससे मारते हैं, मतलब कि जो D होगा वो क्या होगा मध्य बिंदु होगा, तो आप क्या लिख सकते हो जो BC है, क्या हमारा BC है, उसको 2 × DC लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2 × DC, मतलब कि ये हमारा क्या है √3/2 है, BC को क्या लिख सकते हो 2 × DC, इससे ये कट गया, तो कितना आया AD बराबर कितना आया, यहाँ पर इधर लिख देते हैं AD बराबर कितना हमारा AD बराबर √3 DC, क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट। अब क्या कर रहा है, AD स्क्वायर पूछा है, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दो, AD का स्क्वायर बराबर √3 DC का स्क्वायर, √3 का वर्ग 3, DC का स्क्वायर DC स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 DC स्क्वायर, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, √3 DC स्क्वायर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ए ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है, क्या आपको क्लियर हुआ, समझ में आया आपको ये, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए हैं, अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पर। अब देखो आपका, देखो खंड बा स्टार्ट हो चुका है, कौन सा आपका खंड बा, देखो इसके अंदर आपके पहले कौन से क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न, सभी खंड आपको इसमें करने हैं, पहला क्वेश्चन आपका इसका, ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन आपका ए पार्ट, क्या दे रखे हैं आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4x² कितना है आपका द्विघात समीकरण का है, 4x² माइनस का 6x + 5 = 0, इसको आपको यह निकालना है, विविधकर याद कीजिए, और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी आपको यह बतानी है, ठीक है। डी बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac होता है, थोड़ा प्रॉपर वे में आप लोगों ने करा होगा, ए का मान 4 है और बी का मान -6 है और सी का मान कितना है आपका 5 है, तो बी का मान कितना है हमारे पास -6, -6 का वर्ग - 4, ए का मान कितना है हमारे पास 4 है, सी का मान हमारे पास कितना है 5 है, तो 36 माइनस का 5 × 20 और 20 का 4 में गुणा किया तो कितना होगा आपका 80, समझ में आया, देखो 4 × 16 = 16, 5 कितने होते हैं 80, अब इसमें से माइनस किया तो कितना है आपका, देखो 10 में से 6 = 4 और 7 में से 3 गया तो हमारे कितना है 4 − 44, तो डी का मान कितना है माइनस का, तो मूल की प्रकृति क्या होगी आपकी, लिखोगे मूल की प्रगति क्या होगी, वास्तविक नहीं होगी, क्या लिखोगे वास्तविक नहीं होगी प्रगति, क्या लिखोगे वास्तविक नहीं है, या फिर लिख सकते हो मूल की प्रगति क्या है वास्तविक नहीं है, मतलब कह सकते हो काल्पनिक है, मतलब वास्तविक ही नहीं आपके में लिखा होगा, ठीक है। अब आपका है बी पार्ट, ये रचना से आपका आ गया था, क्या लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचिए जिसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है, रचना के पद संक्षेप में लिखिए, ठीक है। रचना का पद आप लोग लिखना, क्या देखेगा जो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया होगा, 3 सेंटीमीटर का एक आपने क्या बनाया होगा वृत्त बनाया होगा,
ठीक है, 3 सेंटीमीटर का आपने एक वृत्त बनाया होगा, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर आपने लिया होगा, यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूर आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया होगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना है, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या कॉन्सेप्ट था आपको, पहले भी हमने आपको बताया कि जो ये भुजा है आपकी, जो सबसे बड़ी वाली आपकी साइड है, इसका क्या करते हैं, हम लंबार्धक करते हैं। क्या करते हैं इसका, हम लंबार्धक, यहाँ से इसे कट किया और यहाँ से इसे क्या किया, एक कट किया, इससे इसे कट किया, इससे इसे कट किया, इसको ऐसे से मिला दिया, इतना हुआ क्लियर आपको। और इससे हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बनाया, इससे क्या बनाया हमने, एक वृत्त बनाया, किस पर कट हुआ, इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ, कट हुआ, इसको और इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्पर्श रेखा आपको खींचनी होती है, मतलब इसे पी पॉइंट देते हैं, इसे ओ देते हैं, इसे क्यू और आर, इस तरीके से स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये स्पर्श रेखा इसकी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है सी पार्ट इसका, ये तो रचना पद लिख लोगे ना। सर्वप्रथम हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जिससे केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, जिससे जिसका ओपी का हमने लंबार्धक किया, फिर इसको एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, जो ने दिए हुए वृत्त को क्यू तथा आर पर कट करता है, मतलब कि काटता है, और पी को क्यू से मिलाया और पी को आर से मिलाया। ये आपको रचना के बाद आपको लिखने होते हैं, ठीक है। अगला क्या सवाल है, कोस ए माइनस बी बराबर हमें दे रखा है अंडर रूट 3/2, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है हमें, साइन ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है हमें, अंडर रूट 3/2, दोनों सेम दे रखे हैं। और यहाँ पर दे रखा है कि 0 से बड़ा ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा, और साथ में ए का मान बड़ा होगा किससे, बी से, ठीक है। तो हमारे कितना हो जाए, देखो कोस ए माइनस बी बराबर, अब कोस में अंडर रूट 3/2 कितना इसका मान होता है आपका, आपको बता होना चाहिए कितने का होता है आपका, कोस 30 का होता है, और ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 30 अंश, ठीक है। और यहाँ पर कितने का होता है आपका, देखो साइन ए प्लस बी बराबर, ये कितने अंश का मान होता है, साइन 60 का मान होता है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 60 अंश। अब दोनों इक्वेशन को हल कर दो, दोनों समीकरण को याद ना आपको हल करना है, देखो इसको एक बार जोड़ दो तो बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 2a बराबर, 2a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 30 और 60 कितना होगा 90, a का मान कितना हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। अब a का मान समीकरण नंबर किसमें रख दो, दो में रखने पर 45 प्लस b बराबर कितना होगा आपका 60 अंश, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस 45 कितना जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। तो देख सकते हो इन दोनों का योग आपका इतना हो रहा है 60 हो रहा है, जो कि 90 से कम है और 0 से बड़ा है, और ए का मान बी से बड़ा है, ए का मान 45 है और इसका मान कितना है 15, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का डी पार्ट है आपका, ये कौन सा पार्ट है हमारा, डी पार्ट है, जिसके अंदर हमें पूछा है माध्यिका निकालनी, क्या निकालनी है माध्यिका, देखो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 40 से 45, 45 से 50 और लास्ट तक आया 70 से 75 तक है, और ये हमने जैसे कि आपको बता दिया बारंबार था। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता, सीएफ, क्या निकालते हैं सीएफ, कैसे निकालते हैं, पहले 2 का 2 लिखते हैं, फिर 2 और 3 को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, 5 और 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा 13, 13 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 19, 19 और 6 को ऐड करेंगे 25 आएगा, 25 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 28 आएगा, 28 और 2 को ऐड करेंगे 30 आएगा। तो बल्कि यही हमारा सिग्मा एफ यही होता है, सिग्मा एफ कह दो या फिर कैपिटल एन कह देते हैं, कितना होगा 30 होगा, इसको भी जोड़ेंगे कितना आएगा 30। अब देखो हम लोग हमारा फॉर्मूला होता है माध्यिका का या फिर माध्यक का, क्या होता है आपका, देखो एल प्लस एन बटे 2 माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो अब देखो 30 है ना, देखो क्या सिर्फ ढूंढते, देखो एन का करते हैं आधा, मतलब 30/2 कितना आएगा 15, 15 से जस्ट बड़ा किसमें देखते हैं हम, संचयी बारंबारता में, किसमें आएगा 19 में। तो जो ये वाला कॉलम होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा माध्यक वर्ग होता है, क्या होता है हमारा ये माध्यक वर्ग, इसके अंदर ये हमारा एफ होता है और ये क्या होता है हमारा एल होता है, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है हमारे पास सी एफ होता है। अब एच की बात आ रही है, एच इसका डिफरेंस है, एच कितने का डिफरेंस चल रहा है 5 का, कितना चल रहा है 5 का, एच लिख सकते हो आप 45 - 40 = 5, ठीक है। अब सब वैल्यू यहां पर पुट करो, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 55 है, प्लस में एन बटे 2, एन बटे 2 कितना है हमारे पास 15 है, माइनस का सी एफ कितना है हमारे पास 13 है, एफ एफ कितना है हमारे पास 13, 6, एच कितना है हमारे पास, एच कितना निकाला हम लोग ने 5, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा 55 प्लस में, इसमें से घटाया कितना है आपका 2/6 × 5, इसे से काट दिए 3 आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 55 प्लस
पांच बटे तीन, इसमें जब भाग देंगे, तीन का इसमें भाग दिया कितने रहेगा, तीन एकम तीन पॉइंट, कितना बचा आपका दो, छः छः, मतलब लगभग छः छः चलता रहेगा, चाहो तो आप लास्ट में एक बार सात भी लिख सकते हो, कितना आ जाएगा आपका छप्पन पॉइंट छः या फिर सात, एक ही बार में यहाँ पे लिख दो, कि 1.6666 चलता जाएगा ना, तो एक तो लिख सकते हो सेवन, तो 56.67 इसका क्या होगा मान, क्लियर होगा आपको ये, ठीक है। अब देखो बेटा आपका खंड बा का भी आपका कौन सा है, ई वाला पार्ट, कौन सा आपका ई पार्ट, क्या दे रखा है यहाँ पर, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इन संख्याओं का 9 गुना, संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। देखो बस कैसे करना है, कौन सा देखो खंड बा है हमारा, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का ई पार्ट, फर्स्ट का कौन सा है ई पार्ट, देखो इसके लिए यहाँ पे लिखोगे माना, माना संख्या क्या है हमारी, संख्या हम लोग कैसे मानते हैं, टेन एक्स प्लस वाई मानते हैं, क्या मानते हैं, टेन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर इकाई का अंक वाई है, ढाई का अंक कितना है हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पर अंकों का योग मतलब कि एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है हमें, अंकों का योग कितना दे रखा है 9 है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना आपका 9 गुना, इस संख्या का कितना आपका 9 गुना, अब संख्या को पलटने पर क्या कहा, संख्या को पलटने पर मतलब कि y इधर आ जाए x इधर आ जाए, tan y plus x इसके कितने के बराबर है, इसके 2 गुने के, तो आपको संख्या याद करनी, मतलब x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, अंदर गुणा कर लो जल्दी से, 90x प्लस का कितना हो जाएगा 9y, इधर कितना हो जाएगा आपका 20y प्लस का 2x, ये होगा। अब x वाले एक तरफ ले जाओ, 90x माइनस का 2x बराबर 20y माइनस का ये इधर आया तो कितना हो जाएगा माइनस का 9y, इसमें से घटाया तो कितना आया 88x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 11y, लेकिन 11 से काट सकते हो 8 बार, मतलब y बराबर कितना आ गया 8x आ गया, y का मान कितना है हमारे पास 8x। अब ये y का मान कहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो, इसे समीकरण नंबर 2 दे सकते हो, y का मान कहाँ रखने पर, इसमें फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा x प्लस y का मान 8x रख दिया बराबर 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1। अब x का मान एक यहाँ पर रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो हमें क्या निकालनी है संख्या, क्या निकालनी है संख्या, संख्या कितनी है tan x plus y है, कितनी है tan x plus y, कितनी है हमारे पास tan x plus y, x की वैल्यू कितनी है 1 है, 10 इंटू 1 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 बराबर 18, तो इसकी संख्या आपको क्लियर हुई। अब देखो बेटा आपका आपका फर्स्ट का भी एफ पार्ट है आपका, इसमें क्या निकालना है बहुलक निकालना है, क्या निकालना है बहुलक, अच्छा बहुलक का फॉर्मूला याद है आप लोगों, बहुलक क्या है यहाँ पर, एल प्लस यहाँ पर कितना होता है एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में टू एफ वन माइनस का एफ जीरो माइनस का एफ टू इंटू एच, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। अब देखो बात समझे यहाँ पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कैसे ढूंढते हैं, पहले हम निकालते हैं बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कैसे निकलता है, सबसे ज्यादा मतलब कि आपकी बारंबारता कहाँ है 20 है ना, तो ये वाली हमारी बारंबारता है, ये हमारे क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग, ये क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, देखो बहुलक वर्ग में ये क्या है हमारा, इसे कहते हैं एफ वन, इससे ऊपर वाले को एफ जीरो, इसे कहते हैं एफ टू, और इस वाले को हम कहते हैं एल, और अंतर कितने का है, एच का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो एच कितना है 10 में से जीरो गया 10, तो सब वैल्यू पता है, वैल्यू रख दो, एल का मान कितना है हमारे पास 40 प्लस एफ वन का मान कितना है 20 माइनस का 12, 20 माइनस का 12 अपॉन में 20 दूनी 40, ये दो गुना है आपका इसका 40 माइनस का एफ जीरो मतलब कि 12 माइनस का 11 इंटू एच का मान कितना है 10, इसको सॉल्व करना है आपको बस 40, 20 में से आपके 12 गए कितने बचे 8 बचे 40 माइनस का दो और एक कितना हुआ 3, एक और एक कितना हुआ 2 इंटू में कितना हुआ 10, 40 प्लस कितना हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 में से घटाया तो कितना है 17, देखो 17 का उससे काटेंगे, देखो 17 से काटेंगे तीन बार जाएगा आपका 17 चौको इतना होते हैं 68, फिर आपका इतना चाहिए आपका 12, 12 भाग नहीं जाएगा तो आपका क्या लग जाएगा आपका 0 मतलब पॉइंट लगा के 0, फिर लगभग आपका 5 बार अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग 4.05 कितना हो जाएगा इसका आंसर 44.05, दैट योर आंसर, क्लियर हुआ आपको समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो आपका प्रश्न नंबर कौन सा है आपका सेकेंड है, किन्हीं पांच खंडों को आपको करना है, उसमें आपके ए पार्ट में आपको दे रखे हैं दो पार्ट है आपके, नंबर फर्स्ट जैसे आपको दे रखे हैं कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर दूसरे की बात कर रहे हैं, उसमें आपका क्या है पहला ए पार्ट है, ए में भी आपके दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट फर्स्ट क्या दे रखा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक
क्यू प्लस वन या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हो, ये सिंपल है, पहले चैप्टर का है। माना p तथा या फिर a तथा b लिख लो, a तथा b, b कोई धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक है, ठीक है। और क्या लिखते हो, बी बराबर कितना लोगे आप, चार, तथा बी बराबर क्या लिखते हैं, चार लिखोगे, किससे आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। क्या होता है हमारे, देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होता है हमारा, a बराबर bq प्लस r होता है, और r का मान क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, और किससे छोटा होता है आपका, b से क्या होता है, छोटा, जीरो के क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पर देखो a बराबर b का मान तो हमें पता है, 4q प्लस कितना है, r है, और यहाँ पर जीरो से बड़ा है r, और कितने से छोटा है हमारा, देखो चार से हमारे क्या है, छोटे है। तो मतलब कि क्या ले सकते हो, r का मान जीरो ले सकते हो, एक ले सकते हो, दो तीन चार नहीं ले सकते, r के मान इतने ले सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे a के संभावित मान, a के संभावित मान कितने होंगे, एक संभावित मान a बराबर, देखो एक तो 4q होगा, एक 4q प्लस 1 होगा, और एक 4q प्लस 2 होगा, और एक 4q प्लस कितना होगा, 3 होगा। आ रहा है कुछ समझ में, देखो इस तरीके से प्रोसेस में आपको लिखना है, जैसे a बराबर आपका क्या है, 4q है, अब क्या लिखोगे इसे, 2 into 2q लिख सकते हो, ये लिखोगे यहां पर आगे लिख दो भाई, यह है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, इसलिए यह समसंख्या है, समसंख्या है, ये क्या है हमारी, समसंख्या है। अब a बराबर क्या लिखोगे, 4q प्लस 1, यहाँ पे लिखो इसे फैक्टर को हम ले नहीं सकते, लिखोगे यह है 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, इसलिए यह है विषम संख्या है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, इतना हुआ। इसी प्रकार a बराबर क्या लिखोगे, 4q प्लस 2 लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, 2 कॉमन ले लोगे, 2q प्लस 1, यहाँ लिखोगे यह है 2 से विभाज्य, इसलिए क्या है, समय, लिख लेना आप इसको, ठीक है। अब बात समझो, अब अगला क्या लिखोगे, a बराबर 4q प्लस 3, यहाँ पे देखो इसको फैक्टर नहीं कर सकते, लिखो यह है 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, इसको आप लिख लेना, इसलिए ये क्या है, विषम है, इसलिए क्या है, यह विषम है, बस आपको ये लिखना है, बस समझ में आया, देखो ये ऊपर वाली लाइनें लिखने हैं दोनों में, समझ में आ रहा है आपको, बस आपको अब क्या लिखना है, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, विषम हो गया सर। तो अब क्या लिखोगे, देखो जो क्वेश्चन में लिखा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पर दर्शाइए की कीजिएगा, आप क्या लिख दोगे, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q कोई एक पूर्णांक है, बस ये आपको यहाँ पर लिखना था। तो ये इसका ए पार्ट था, ये दो नंबर का था। इसी प्रकार आपको जो सेकंड पार्ट है, क्या हमारा जो सेकंड पार्ट है, वो भी हमारा कितने का है, आपका दो नंबर का। इसमें क्या निकालना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इसका आपको क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है, मतलब कि मासा आपको निकालना है 867 और 255 का। तो इसमें क्या आपको सीधा सीधा बना लेना था, कौन बड़ा है आपका, 255 को इधर लिख लेना, 867 को आप इधर लिख लेते, कितनी बार जाएगा आपका, देखो 2 का 8 बार आ रहा है, लगभग आप 3 बार अप्रोक्सीमेट करके देखो, तीन पंजे कितना होते हैं, 15, हंस लगे, तीन पंजे 15 और एक कितना हुआ, 16, तीन दो नीचे और एक कितना हुआ, 7, देख लेना कैलकुलेशन एक बार, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें घटाएंगे तो 7 में से 5 गए 2 और 6 में 6 गए 0 और 1, अब इसमें कितने डिवाइड करना है, 2 5 5, जो यहाँ लिखा होता है वो यहाँ पर आ जाता है। अब कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार, 2 दो नीचे 4, 0 2, कितना आएगा यहाँ पर, 1 और 5, अब 51 है, अब किस में भाग दोगे आप, 102 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 102, ये कट गया आपका। तो यहाँ पे लिखोगे SCF, क्या लिखोगे, SCF, माता पाया आप लिख सकते हो, किस किस का आपका, 867.255 का, कितना आएगा, 51, कितना आएगा, 51, एक तो ये होता है। अब इसको आपको प्रॉपर वे में आपको लिखना होता है, पता है आपको किस तरीके से, 867, वो तो आपको हिंदी में आप इसको लिख लेना, बल्कि आप इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप हिंदी भी आप लिख सकते हो इसकी, ठीक। अब देखो बेटा इसका प्रश्न नंबर 2 है, उसका बी पार्ट, इसका क्या है बेटा, आपका बी पार्ट, प्रश्न नंबर 2 का बी पार्ट, ठीक है, क्या दे रखा है, पहले सवाल को पहले समझते हैं, क्या दे रखा है हमें, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी
एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आता है, मतलब सीध जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही फेमस सवाल होता है, 30 और 60 का रेशियो होता है और यहाँ पे 6 सेकंड होते हैं, तो सीधा सीधा इसका आंसर होता है 3 सेकंड। आपका मुझवानी भी हमने आपको बच्चों को तैयार करवा रखा है, तो देखो कैसे करना होता है। देखो इसका आंसर तो 3 सेकंड है, देखो करना कैसे है, बस इस चीज को और समझना है आपको। देखो इसको ध्यान से देखो, इसी सीधी बात है, ये मीनार है, ऊपर कोई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, उसको देख रहा है कार को, ये कार आ रही है। कार का पहले कोण कितने का था? 30 का। अवनमन कोण की बात हो रही है, मतलब ऊपर से बात करी आ रही है 30 की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब वो कार को थोड़ी देर बाद हुआ, 6 सेकंड बाद वो एक स्पीड में आ रही थी, तो उसका कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया हमारा? 60 डिग्री हो गया, मतलब कि यहाँ पर उसे आने में 6 सेकंड लगे। ये दूरी नहीं है, ये समय है। बच्चे यहाँ पर दूरी समझ के इसको गड़बड़ कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब क्या पूछा इसमें, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना उसको समय लगेगा? देखो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 6 सेकंड लगे। अब जो ये कार यहाँ पर पहुंची है, अब ये कार यहाँ पर पहुंचने में, मतलब कि मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? तो ये कोण कितना है हमारे पास? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जहां तक आता है 3 सेकंड आता है। अभी देखते हैं इसको कैसे कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको नाम देते हैं सब लोग, इसका नाम देते ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक्सलेट कर लेते हैं जिसको निकालना है, और ये दूरी है बेटा भाई, ठीक है। और ऊंचाई को आप लेट कर सकते हो आप एच, ठीक है, सब कुछ। तो और तो ऊंचाई क्या दे रखी है सवाल में? नहीं दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज? बी ए सी में या फिर ए बी सी में? ए बी सी में क्या लगाओगे? टेन साठ। क्या लगाओगे? टेन साठ। लंब बटे आधा, लंब कितना है? एच बटे एक्स। टेन साठ का मान अंडर रूट 3, और यहां पर कितना हो जाएगा? एच बटे एक्स, ठीक है। तो यहां से आप एच का मान निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, अंडर रूट 3x। समीकरण नंबर इसको एक देते हैं। अब कौन सा लेते हैं? बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी डी में। किसमें त्रिभुज? ए बी डी में क्या होगा? टेन तीस। कितना होगा? टेन तीस। लंब बटे आधा, टेन तीस कितना होगा? लंब बटे आधा। लंब कितना है हमारे पास? एच। अब देखना आधार कितना हो जाएगा, आधार होगा वाई प्लस एक्स, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? वाई प्लस एक्स, ठीक है। और यहां पर टेन तीस का मान कितना होता है? वन अपॉन अंडर रूट 3 होता है, एच बटे वाई प्लस एक्स। देखो वाई और एक्स में रिलेशन निकाल लो, सबसे बढ़िया है। इसमें और इसमें क्या निकालो? रिलेशन निकालो, उसमें सवाल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कितना होगा? वाई प्लस एक्स बराबर कितना होगा? अंडर रूट 3h। लिख दो ना समीकरण नंबर 1 से h का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 से h का मान रखने पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3। h का मान कितना है हमारे पास? अच्छा h का मान कितना है हमारे पास? अंडर रूट 3x है। आ रहा है समझ में आपको? यहाँ पर रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और y प्लस एक्स, एक्स उधर गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का। y बराबर कितना हो जाएगा? 3x माइनस का x, मतलब कि y बराबर कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ से क्या समझ में आया? देखो y जो है वो कितना है, देखो बात समझो, y जो है वो x का कितना है? ट्वाइस है। देखो बात समझो, यहाँ से क्या, देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो इधर नीचे से उधर से एक और लिखना, यहाँ पर देखो y दूरी चलने में क्या लिखोगे? y दूरी चलने में लगा समय कितना समय लगता है? बाई दूरी चलने में लगा कितना समय लगता है? 6 सेकंड। कितना लगता है? 6 सेकंड। समझ में आ रहा है आपको? अब बात समझो, बाई की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2x लिख सकते हो, यहाँ पर 2x दूरी चलने में लगा समय 6 सेकंड। हमें निकालना कितने? x दूरी चलने में कितने? x दूरी चलने में लगा समय कितना हो जाएगा? इधर x की बात करें, 2 का अंक लग जाएगा भाग, 6 बटे 2 बराबर 3 सेकंड। इस तरीके से सवाल को करना था, आया को समझ में आपको? अब इसका है सी पार्ट, इसी में कर लेते हैं सी पार्ट, इसका सी पार्ट इसी में कर लेते हैं हम लोग। सी पार्ट भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक AB है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, कितने इतने दे रखे हैं आपको बताओ? -2.2 दे रखे हैं, और 2 कोमा कितने दे रखे हैं? 8 दे रखे हैं। इसको 4 भाग करें, देखो एक तो 20 से आधा कर सकते हो, फिर यहां से कर दो और यहां से कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो मान लेते हैं इसे, इसे देते हैं P, और इसे देते हैं Q, इसे देते हैं R। इन सब के आपको क्या निकालने निर्देशांक, इन सब को आपको क्या निकालने निर्देशांक, तो आप क्या कर सकते हो? देखो बात समझो ध्यान से, 2.8 है ना, एक बार चेक कर लो बस, पॉइंट इसके इतना ही है। देखो आप सबसे पहले क्या लिखो, देखो आपको लिखने का तरीका बता दे,
पी जो है वो एबी का मध्य बिंदु है, जो ये पी पॉइंट है वो किसका है, एबी का क्या है मध्य बिंदु, यहां पे लिख लेना ऐसे, पी जो है वो क्या है एबी का मध्य बिंदु, किसका एबी का क्या है मध्य बिंदु है। तो पी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे आपके, देखो x1 वन प्लस एक्स टू अपॉइंट टू, मतलब माइनस टू प्लस टू अपॉइंट टू, हम सोल्व कर रहे हैं फॉर्मूला यूज करोगे, इधर दो प्लस आठ, दो प्लस आठ बटे दो कितना हो जाएगा यहां पर जीरो बटे दो कोमा दस बटे दो, मतलब जीरो कोमा कितना हो जाएगा पांच, पी के निर्देशांक निकला, पी के इतने आगे जीरो कोमा पांच, इतना हुआ क्लियर। देखो जो हमारा क्यू जो है वो एपी का क्या है मध्य बिंदु है, चलिए क्यू जो है एपी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो Q जो है AP का मध्य बिंदु है, अब देखो यहाँ पर Q के निर्देशांक हो रहा है x1 plus x2 upon 2 minus 2 plus 0 upon 2 कुमा y1 plus y2 upon 2 2 plus 5 upon 2 कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 1 कोमा यहाँ पर कितना 7 upon 2 रेडी योर आंसर, मतलब कि 2 से 2 कट जाएंगे कितना आएगा माइनस का 1। अब क्या निकालोगे आर की, ये कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, देखो माइनस 1 बटे 7 बटे 2, क्या आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे आर, R जो है वो AP का मध्य बिंदु है, किसका A नहीं PB का, किसका देखो R जो है वो किसका PB का मध्य बिंदु है, PB का मध्य बिंदु है, तो आप क्या लिखोगे R की कोऑर्डिनेट कैसे निकल गया, देखो 0 प्लस 2 बटे 0 प्लस 2 बटे 2 5 प्लस 8 बटे 2 5 प्लस 8 बटे 2 1 प्लस 1 कोमा 13 बटे 2 आएगा समझ में। तो इस तरीके से इसके भी आपको कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपका कौन सा पार्ट है, डी पार्ट, दूसरे कौन सा आपका डी पार्ट, डी पार्ट क्या कह रहा है आपका, एक भिन्न का अंश उसके हर से तीन कम है, एक भिन्न का अंश उसके हर से कितना है तीन कम है, यदि अंश और हर में दोनों में दो जोड़ा जाता है तो नई भिन्न का नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब समझो क्या है आपका, ये देखो ध्यान से, एक भिन्न का अंश उसके हर से तीन कम है, हर से कितना है आपका तीन कम है, तो पहले यहां पे लिखो माना हर कितना है x है, तो अंश कितना हो जाएगा, अंश जो है वो हर से कितना कम है तीन कम है। देखो बात समझो, यदि एक भिन्न का अंश उसके हर से कितना है तीन कम है, हर यदि x है तो अंश कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, तो भिन्न कितनी हो जाएगी हमारे पास, जो मूल भिन्न कह सकते हैं स्टार्टिंग वाली भिन्न को उन्होंने क्या नाम दे रखा है मूल भिन्न, कितना दे रखा है हमारा अंश है x माइनस 3 अपॉन x, इतना क्लियर हुआ आपको। हाँ क्या लिखा है, यदि अंश और हर में दो जोड़ दिया जाता है, प्रश्न आंसर अब चल रहे हैं, अंश में कितना जोड़ दिया जाता है, देखो अंश में दो जोड़ दिया जाता है और हर में भी कितना जोड़ दिया जाता है दो जोड़ दिया जाता है जोड़ा जाता है, तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग, ये देखो जो नई भिन्न बनी है और इसका मूल भिन्न कितनी है आपकी x माइनस 3 अपॉन x, उसका योग कितना है हमारे पास 29/20 है, को समझाया। देखो ये हमारी नई भिन्न बनी उसका मूल भिन्न के साथ योग कितना दे रखा है 29/20 दे रखा है, तो हमें मूल भिन्न हमें ज्ञात करने, मतलब इसी को हमें क्या करना है ज्ञात करना है, मतलब सीधी सी बात है आपको x की वैल्यू निकाल देनी है। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वन अपॉन x प्लस टू इक्वल टू यहाँ पर प्लस है x माइनस 3 अपॉन में x 29/20 एलसीएम कितना आएगा हमारे पास x प्लस टू इंटू एक्स, इसका इधर गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस एक्स प्लस टू का इधर गुणा होगा एक्स प्लस टू का इसमें गुणा होगा आपका एक्स माइनस थ्री में 29/20 एलसीएम कितना है हमारे पास एक्स प्लस टू है इंटू में एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक्स का अंदर गुणा किया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x टू का इसमें किया तो 2x माइनस का 6 इक्वल टू 29/20 ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ पर आपका माइनस का x है माइनस का 3x है माइनस का 4x और प्लस का 2 तो माइनस का 2x हो जाएगा और यहाँ पर कितना है आपका देखो इसको 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 सॉल्व किया तो माइनस का 2x हुआ और माइनस का 6 है अपॉन में अंदर गुणा कर सकते हो x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर 29/20 कितना है हमारे पास 20 है ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए अलावा कोई तरीका नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है हमें 29 का इसमें करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 29x square और 29 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा
नौ दुनी 18, मतलब कि 58 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 29 दुनिया 58x। अब 20 का इधर करना है तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 40x स्क्वायर। और 20 का इसमें किया तो माइनस का, 20 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x। 20 का इसमें करा तो कितना होगा 120। ये चीज आपका क्लियर हुआ आपको, इतना 6 दो 12 सही है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 40x स्क्वायर माइनस का 29x स्क्वायर माइनस का 40x, ये किधर इधर हुआ तो माइनस का 58x माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, 40 में से इसे हटा देगा तो 11x स्क्वायर हुआ, 11 हुआ आपका, हाँ माइनस माइनस ये ऐड हो जाएंगे 8 और 98x हो जाएंगे माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब इसके यार ने आपको फैक्टर करने हैं, 11 का 120 में गुणा करो, उसके ऐसे फैक्टर करो कि आपके माइनस करने पर कितने आ जाए, आपके 98 आ जाए। अब आपका देखो ये क्या है, द्विघात समीकरण बन गया। आप क्या करते हो, 11 का 120 में गुणा करते हो, उसके फैक्टर करेंगे, देखो 11 चलो उसके गुणा नहीं करते, 120 के आप सीधे सीधे फैक्टर करो, 11 को आप यहाँ लिख लेना, 2 से काटेंगे कितना आएगा 60, 2 से काटेंगे कितना आएगा 30 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा आपके पास 15, 3, 5, 5, 1, ठीक है। तो देखो 5 दूनी कितने हुए 10, 10 का 11 में किया तो 110 सही है, तो 4 4 3 12 माइनस का 12, आप ये इसे घटाने पर कितना आएंगे 98 आ रहे, बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या लिखो, 11x स्क्वायर माइनस का 110x प्लस का 12x हो जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। इसमें से कॉमन कितना है हमारे पास, 11x कॉमन है, x माइनस 10 प्लस में 12 कॉमन है, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, x माइनस 10 कॉमन आया, 11x प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और 11x प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो 11x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12, x का मान आएगा माइनस का 12/11। एक x का मान ये है और x का मान यहाँ से कितना है 10। आप ओनली बस ये वैल्यू ले सकते हैं x इक्वल टू 10, और 10 यहाँ रखेंगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी हमारे पास, मूल भिन्न कितनी हो जाएगी हमारे पास, मूल भिन्न कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 अपॉन कितना है हमारे पास x है, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 अपॉन में 10, 7/10 दैट योर आंसर। तो इस तरीके से आपकी भिन्न आपकी आएगी 7/10, ठीक है। आपका देखो x बराबर हम लोग ने 10 लिया था, उससे 7/10 आया, और हम लोग ये भी ले सकते हैं x बराबर माइनस का 12/11, ये भी सही होगा। जैसे हम यहाँ पर माइनस के 12/11 रखेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस के 12/11 माइनस का 3/ माइनस के 12/11, समझ में आ रहा है आपको। इसको हल करेंगे कितना 33, 33 और 12 कितना हो जाएंगे हमारे पास 33 और 12 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 45 हो जाएंगे हमारे पास, माइनस का 12/11, 11 से 11 कटा, माइनस से माइनस कटा, 3 से काट दो, 3 से काटा तो 15/4, 3 से को 12 और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, 15/4 भी हमारी क्या हो सकती है, एक भिन्न हो सकती है, समझ में आपको। एक ये आंसर है और एक आपका ये आंसर है, ठीक है। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, दूसरे का ई पार्ट है, क्या दे रखा है, चित्र में ए बी, देखो इसको पहले नाम देते हैं, क्या क्या दे रखा है, ए बी, ठीक है, और क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है, सी और डी, और ये दे रखा है ओ, ठीक है, इसका भी केंद्र आपको मान लिया, अभी दे नहीं रखा है, ठीक है। ओ वाले एक वृत्त के दो लंबवत व्यास है, ये क्या दे रखे हैं, लंबवत आपके व्यास है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। अच्छा देखो ये ओडी इसके क्या है, छोटे वृत्त का क्या है, हमारा व्यास है, ओ ये 7 सेंटीमीटर है, ओ यदि 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, बल्कि ये ओडी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा हमारा, समझ में आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यदि 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मतलब 3.5 हो जाएगी, मतलब कह सकते हो 7/2, कितनी कह सकते हो 7/2 सेंटीमीटर, समझ में आपको, इतना आपको क्लियर हो गया होगा इतने डायग्राम से। लघु और दीर्घ व्रतों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, देखो लघु व्रत आपका ब्लू वाला है और दीर्घ वाला आपका कौन सा बेटा, ये है, तो पहले लिखोगे देखो लघु व्रत कौन सा, पहले लिख सकते हो दीर्घ व्रत की त्रिज्या, दीर्घ व्रत की त्रिज्या आर वन कह सकते हो, कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, कितनी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी 7, और दीर्घ व्रत कितनी हो जाएगी, लघु व्रत कितनी हो जाएगी हमारे पास, लघु व्रत की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, आर टू बराबर कितनी कह सकते हो 7/2, उसी की आधी है ना ये हमारा, जिसका केंद्र ये, समझ में बस, इतने सवाल आपका हो चुका। तो यहाँ पर निकालना क्या है, लघु और दीर्घ व्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले लिख लो लघु व्रत का क्षेत्रफल बटे में दीर्घ व्रत का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल आप जानते हो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन त्रिज्या इसके लिए हमने कौन से लिए आर टू, और इसके लिए कौन से लिए आर वन, पाई से पाई कटा, आर टू का मान हमारे पास कितना है, आर टू कितना है हमारे पास, सात है, सात बटे दो है, सात बटे दो गुणा सात बटे दो, बटे में आर वन कितना है हमारे पास, सात है, सात गुणा सात, सात से सात कटा, सात से सात कटा कितना है आपका एक बटे चार, एक बटे चार का क्या सेंस हुआ, एक अनुपात चार। क्लियर है आपको, समझ में आया, ये इसका ही क्वेश्चन था, एक अनुपात चार इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला देखते हैं अपना एफ वाला क्वेश्चन, एफ क्या दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करने में समांतर माध्य निकालना है आपको, लेकिन इसमें बच्चे को क्या दिक्कत आ गई, 20 से 60 दे रखा है, 60 से 100 दे रखा है, यहां पर 40 का अंतर है, अब 100 से कितना दे दिया 150, यहां पर हो गया 50 का अंतर, यहां पर भी 50 का, और यहां पर कितने का हो गया आपका 100 का, और यहां पर भी कितने का हो गया 100 का, तो ये अंतर जब आपके दे रखे हैं इतने, तो ये देखो याद रखना एच वाले मतलब पग विचलन विधि से आपको इसको नहीं लगा सकते, स्टेप डिवीजन मेथड होता है ना उससे नहीं लगा सकते हो, तो इसको आप चाहो तो सिंपल वाले फॉर्मूला लगा सकते हो, पहला प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हो, प्रत्यक्ष विधि में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो आप चाहो तो क्या लगा सकते हो, एज्यूम मेथड आपका होता है, दूसरा वाला आपका कल्पित माध्य विधि, उससे आप लगा सकते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले देखो ये फ्रीक्वेंसी है, बल्कि आप पहले निकालोगे एक्सआई, क्या निकालोगे एक्सआई, क्या निकालोगे एक्सआई, एक्सआई क्या होता है, मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ो, 60 और 20 कितना होता है हमारा 80, 80 का आधा कितना होगा 40, ठीक है, अब देखो 60 और 100 मतलब कि 100 कितना होगा, 160 का आधा कितना होगा आपका 80, इसका 150 होगा, 150 मतलब 150 100 कितना होगा 250, 250 का आधा कितना होगा 125, इसी प्रकार इसको इसको जोड़ेंगे कितना होगा, होगा आपका 200 300 और 400, 400 का आधा कितना होगा हमारे पास, 400 का आधा कितना होगा 200, क्लियर समझ में आ रहा है आपको, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा 0 10 आज लगे 600, 600 का आधा कितना होगा 300, ठीक है, और यहां पर कितना डिफरेंस है आपका देखो 0 और ये कितना होगा 800, 800 का आधा कितना होगा 400, कितना क्लियर हुआ, तो आप क्या कर सकते हो इसमें डीआई वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, डीआई निकाल सकते हो आप एक्सआई माइनस ए, क्या कर सकते हो एक्सआई माइनस ए, आ रहा है को समझ में, तो कैसे करते हो देखो ए क्या होता है मध्य बिंदु, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों में बीच में कौन कौन आता है, 2 लोग आते हैं, अब 2 में से किसको लेते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी ज्यादा होती है, 16 ज्यादा है तो ये हमारे क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, ये क्या हो जाएगा हमारा मतलब कि ए, ये क्या हो जाएगा हमारा ए, ए का मान कितना है 125 है, और एक्सआई में से इसे घटा दो, 40 में से 125 घटा दो, मतलब कि 125 में 40 घटा दो, देखो 5 में 0 गए 5 और 12 में से 4 गए 8, और किसका हो जाएगा माइनस का, 80 में से घटाने हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 45, कितना हो जाएगा माइनस का 45, देखो 5 में 0 गए 5, 12 में से 8 गए कितना हो जाएगा आपके 4, और 125 में से 125 गया तो कितना हो जाएगा आपका 0, 200 में से 125 घटाने हैं आपको कितना हो जाएगा आपका 75, अब 300 में से 125 घटाने हैं तो कितना हो जाएगा आपका 175, और 400 में से घटाने हैं तो कितना बचेगा 275, बल्कि ये ज्यादा कठिन ही कैलकुलेशन बनी, तो सबसे बेटर ये था देखो ये वाले थोड़े कठिन है, ये तब भी सरल है, ये क्या हमारा तब भी सरल है, तो ऐसा करो आप इसको सीधे ही मेथड से लगाओ, इसमें टाइम वेस्ट ना करो, बल्कि इसमें गुणा करोगे तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, समझ में आ रहा है आपको, देखो ये मेथड आप यूज ना करो, मतलब काफी बच्चे हैं तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, सिंपल से सिंपल तरीका क्या हमारा एफ आई इंटू क्या कर सकते हैं एक्स आई, क्या निकाल सकते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, 7 चक्कू इतने होते हैं 28, ठीक है, 5 का इसमें गुणा करना सीधे तो देखो इसको पूछना मानो 8 पंजे इतने होते हैं 40, 16 का इसमें गुणा करो 16 पंजे 80 हाजिर लगी 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 16 एकम 16, 16 और 4 20, समझ में आ रहा है आपको, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 और 4 का इसमें ये 4 थी 12, क्या निकल के आएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, क्या निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इनको जोड़ो 0 8 देखो अब इसको जोड़ना है 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, कितना बचा आपका 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, इतना क्लियर हो, एक बार कैलकुलेट कर लेना आप, देखो 6 4 10 2 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, हंसे लगे 1 2 2 4 एक 5 और एक 6, बिल्कुल सही है, और यहां पर सिग्मा एफ आई निकाल लो, क्या निकाल लो सिग्मा एफ आई, कितना आएगा देखो 7 5 12, 12 12 24, 24 और 6, 24 और 6 30, और 30 और 10 40, 40 और ये 40 और 5 45, और हमारा एक्स बार कैसे निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 6 8 8 0 अपॉन में 4 5, अब इसका आपको यार ने डिवाइड करना है, जो क्या 3 से कट रहा है देखो 8 8 14, 8 8 16, 16 और 6
22, मतलब ये 3 से नहीं घटेगा, 3 से नहीं घटेगा, 5 से घट सकता है, कैसे घट सकता है, 5, 5 से काटो, 5 रिम 45, 5 से काटा कितना आएगा आपका, देखो 5 एकम 5, कितना बचा आपका 1, 5 से 15, बचा कितना आपका 3, 5 सत्ते 35, कितना बचा आपका 2, 20 हो गया, 5 अकू 20, कितना है आपका 1374 बटे 9। अब 9 का इसमें भाग दे दो, 9 का इसमें क्या दे दो भाग, कितना आएगा आपका देखो, 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 9 एकम 9 एक ही बार जाएगा आपका, कितना बचा आपका 4, 4 बचा 47 बचा, 9 पंजे 45, कितना बचा आपका 2, 24, 9 दुनी 18, कितना बचा आपका 6, पॉइंट लगा दो, 6 के बाद कितना है आपका 60, मतलब 9 छिक 54, मतलब कि आपका आंसर आ रहा है 152.6 अप्रोक्सीमेट, एक बार कैलकुलेट कर लेना आप लोग सही तरीके से, तो आपका इतना आंसर आएगा 152.6, दैट इज योर आपका क्या होगा आंसर, सही है। अब देखिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप होते हैं। देखो बेटा हम लोग इतनी थ्योरम में अपने लोग ने चैप्टर नंबर 6 में हम लोग ने तैयार करी थी त्रिभुज वाले में, उसमें से कौन सी थ्योरम आई है आपकी, एस ए एस, मतलब की साइड एंगल साइड, ये वाली आपकी आई है, जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है साइड एंगल साइड वाले आप पे आ गए, इतनी थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम थी आपकी, हर चीज आप सोचा था कि ये सब चीजें आएंगी, लेकिन आई कौन सी आपकी, साइड एंगल साइड वाली, तो ये तो आप कर लोगे इसको प्रूफ, इसको तो नहीं करवा रहे इसके, लेकिन अथवा वाला अच्छा क्वेश्चन है इसका, जो अथवा वाला क्वेश्चन है उस चीज को हम करवा देते हैं, ठीक है। तो अथवा क्वेश्चन क्या दे रखे हमें, देखो BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, किसकी, ABC की क्या है आपकी, माध्यिकाएं हैं, तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि जो आपको सिद्ध करना है 4BL स्क्वायर वाला, ठीक है। देखो बात समझो क्या है हमारा, देखो यहां पर फोर्थ, देखो यहां पर इसका अथवा वाला क्या दे रखा है हमें, देखो एक त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज, मान लेते हैं इधर, देखो ध्यान से, जिसका ये कोण क्या है, समकोण है, इसे बी दे देते हैं, इसे क्या देते हैं सी, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको। और इसके अंदर देखो क्या चीज डाल रखा है, देखो BM जो और CM है वो हमारे क्या दे रखा है, देखो लंब डाल रखा है, देखो बात समझो, BL BL और CM समकोण त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिकाएं हैं, वो भी क्या है हमारी, माध्यिकाएं हैं। BL कहां होगा, देखो बात समझो, BL इधर देखो, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु ये, मान लेते हैं इधर इसका BL, ठीक है, ये हमारा क्या है BL पॉइंट, ये माध्यिका है, मतलब कि ये इसके क्या है बराबर है, ठीक है, एल माध्यिका, और CM भी हमारी क्या है माध्यिका, CM, C यहां पर है CM, इस तरीके से इधर CM, ठीक है, ये भी हमारी माध्यिका है, तो मतलब कि ये वाली हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, मतलब कि अलग अलग कहना चाहो तीन लिख दो, तीन तीन डबल डबल तो कर दिया हम लोग ने, तो हमें सिर्फ अब क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, अब सिद्ध करना है। तो देखो इस सवाल को ऐसे करेंगे, सबसे पहले लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है हमें, क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तथा कोण ए कितने अंश का है आपका, 90 अंश का है, और क्या दे रखा है, तथा जो हमारा BL है और CM है क्या माध्यिकाएं है, BL कोमा CM माध्यिकाएं है, त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिकाएं है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या करना है यहां पर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्या सिद्ध करना है हमें, 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे, क्या करेंगे इसकी उत्पत्ति, मतलब प्रूफ, इसके क्या करना है हमें प्रूफ, देखना अच्छी तरह देख लो इस वाले क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, कितने नंबर में आया आपका, 6 नंबर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इसके अंदर देखो आपको पहले ये देखो समकोण त्रिभुज कौन कौन सा दिखाई दे रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, तीन होंगे आपके, देखो एक ये है, एक ये है, और एक आपका ये वाला है, देखो नाम बताना चाहते हैं, ए बी एल है, और आपका ए सी एम है, और ए बी सी है, कितना क्लियर हो रहा है, सीधी बात, तीनों त्रिभुज ले लेते और तीनों त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा लो,
जैसे कि आपका कौन कौन सा, देखो पहले ये वाला ले लो, कौन सा बेटा सबसे पहले ये वाला लेते हैं, ए बी एल में कौन सा, देखो त्रिभुज ए बी एल में क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखोगे, पाइथा गोरस प्रमेय से, क्या लिखते, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, देखो यल त्रिभुज की बात करिए, ए बी एल, समझ में आ रहा है आपको, देखो कर्ण ये है, कर्ण मतलब कि बी एल का स्क्वायर बराबर, आधार कितना इसका, ए बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख दो या फिर बी एल लिख दो, बात एक ही है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ आपको। इसको भी देखो हम यहाँ पर भी स्किप करते हैं, देखो हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या हमें फायदा होगा, ठीक है, क्या चीज हमें लेके आनी है, तो यहाँ तक इसको भी छोड़ दो यहीं पर। अभी जैसे अगला त्रिभुज ले लेते हैं, आप लोग क्या लेते हैं, अगला त्रिभुज कौन सा, अगला अगला कौन सा हमारा, ए सी एम, कौन सा हमारा, ए सी एम, त्रिभुज ए सी एम पाइथागोरस में, क्या पाइथागोरस प्रमेय, क्या ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो क्या होगा हमारे, देखो कर्ण ये है हमारा सी एम, सी एम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, देखो सी ए का स्क्वायर प्लस में किसका आपका, देखो सी ए का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा यहां पर, देखो प्लस में एम ए का स्क्वायर, देखो बात समझो, सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है, जो ये वाला त्रिभुज था ना इसमें सब सभी भुजाएं आनी चाहिए, देखो बी एल तो आ गई है, ए बी का मतलब क्या हुआ, पूरी बुझा चुकी है, ए एल क्या हुआ, देखो इतना हुआ ए एल, कितना है ये ए एल, अब ए एल की जगह हम आपको बताना चाहते हैं, ए एल की जगह आप क्या ले आते, बड़ी भुजा ले आते, सीधी सी बात है, जो हमारा ए एल है इसकी जगह आप क्या ले आते, पूरी भुजा लेके आते, तो आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए जो ए एल है वो ट्वाइस है, ए एल का यदि हम दोगुना कर देंगे क्या वो पूरी भुजा ए सी हो जाएगी, अरे को समझ में, देखो जो ए एल है ए एल का यदि हम ट्वाइस कर दें तो क्या हो जाएगा, पूरी भुजा ए सी हो जाएगी ना, और यहाँ पर ए एल का मान कितना आ जाएगा आपका, ए सी बटे दो, बस आपको क्या करना था, ए एल की जगह यहाँ पर क्या लिख देते, ए एल की प्लेस पे आपको लिखना था ए सी बटे दो, मतलब सभी भुजाएं लेके आनी बड़ी वाली, कौन सी बड़ी वाली भुजाएं लेके आनी, ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए सी का मान रखें तो ए सी का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा चार, आप एलसीएम ले सकते थे, क्या ले सकते थे, एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर फोर आएगा, ए बी का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बी एल का, बी एल का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बी एल का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका इधर इसका इधर, तो कितना हो जाएगा फोर बी एल का स्क्वायर बराबर फोर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसे देते हैं समीकरण नंबर एक। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखो अभी वाली इस वाले में पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी ना, तो क्या देखा हमने कि जो हमारा देखो सी ए है, सी ए बड़ी भुजा आ रही है, और यहाँ पर एम ए, एम ए छोटी है, एम ए क्या है छोटी है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर एम ए का ट्वाइस, किसका लिख सकते हो, एम ए का ट्वाइस कर देंगे, एम ए का क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे, क्या वो पूरी भुजा बी ए के बराबर हो जाएगी, पूरी भुजा किसके बराबर हो जाएगी बी ए के, तो यहाँ से आप एम ए का मान कितना आ जाएगा, देखो यदि हम आप एम ए की बात करेंगे तो कितना मान आएगा बी ए बटे दो, कितना आएगा आपका बी ए बटे दो, तो सी एम का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो सी ए का स्क्वायर प्लस में एम ए, एम ए का मान क्या है बी ए, तो बी ए का स्क्वायर बटे दो का वर्ग कितना होगा चार, क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो इस एलसीएम यहाँ पर भी ले लोगे चार यहाँ पर आ जाएगा, चार का इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, एक ही बार में लिख देते फोर सी एम का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका फोर सी ए का स्क्वायर प्लस में बी ए का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, बस ये आपको करना था, देखो ये दो इक्वेशन आ गई है, अब दोनों इक्वेशन में आपको देखो बात समझो, फोर बी एल का स्क्वायर देखो आपको यहाँ पर भी आ रहा है और फोर सी एम का स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना था आपको जोड़ना था, बस क्या लिखोगे समीकरण नंबर एक व दो को जोड़ने पर, ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, समीकरण नंबर एक व दो को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, इसको इसको जोड़ेंगे, देखो जो आपकी एलएचएस में होता है उनको ऐड कर दिया जाता है, जो आरएचएस में होता है उनको ऐड कर दिया जाता है, देखो बात समझो, जो ए बी है वही हमारा बी ए है, जो ए सी है वही हमारा सी है, बात एक ही है ना दोनों, तो बात समझो फोर बी एल का स्क्वायर इधर लिख लेते हैं पहले, फोर बी एल का स्क्वायर प्लस में, प्लस में कितना है फोर सी एम का स्क्वायर, फोर सी एम का स्क्वायर, अब देखो जो ए बी है वही तो बी ए, देखो या तो इसे ए बी पढ़ो या तो इसे बी ए पढ़ो या तो इसे क्या पढ़ो ए बी, बात तो एक ही है ना, ये फोर है और इधर कितने हैं वन है, चार और एक पांच, ये चार और एक कितने हो जाएंगे पांच, पांच ए बी का स्क्वायर, क्लियर हुआ आपको, और इधर ए सी है इधर आपके फोर है तो क्या लिख सकते हैं इसे फाइव ए सी का स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन है आपका चार कॉमन है,
बी एल का स्क्वायर प्लस फोर, फोर तो आपका कॉमन आ गया, सी एम का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आपका फाइव कॉमन लिया, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखो ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, अब देखो बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लो, किसकी बात कर लो, यहाँ पर आप ऐसे करके लिख लो, क्योंकि त्रिभुज कौन सा देखो ए बी सी में, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, क्या लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगी तो क्या हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर तीन दे देते, या लिखोगे यह मान समीकरण नंबर तीन में रखने पर, देखो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप बी सी स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दोगे तो कितना आ जाएगा आपका फोर बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी सी का स्क्वायर। देखो हमको यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था इस तरीके से, ये क्वेश्चन आपको करना था, हेंस आपको आया क्लियर समझ में। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखा है, फोर अपॉन रूट एक्स प्लस में थ्री अपॉन रूट वाई इक्वल टू कितना दे रखा है हमें थ्री, ये समीकरण नंबर एक है ठीक है। इसको दो तीन मेथड होते थे हमने आपको बताए थे, जैसे एट अपॉन रूट एक्स है और कितना दे रखा है माइनस का नाइन अपॉन रूट वाई बराबर एक है ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसमें। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखा था, इसको आप चाहो तो यू और बी करके भी आप मान सकते हो, जैसे कि वन अपॉन रूट एक्स को यू मान लो, वन अपॉन रूट वाई को क्या मान लो आप बी मान लो, उससे आपका लोन हो सकता है। इन्होंने ये तो कहा नहीं किस मेथड से करना है, मेथड तो इन्होंने कहा नहीं इसको मान के करना या नहीं, आप डायरेक्टली करा करो, क्या करा करो डायरेक्टली आप इसमें कर लो। देखो जैसे कि आपने आपने विलोपन विधि पढ़ी होगी, चार है और यहाँ पर कितने आठ है, तो सेम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो माइनस वाला सेम बना लो, यहाँ पर नाइन है और यहाँ पर थ्री है, तो ऐसा करो इसमें थ्री का मल्टीप्लाई कर लो, कितने का मल्टीप्लाई कर लो थ्री का, जब इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री फोर जा ट्वेल्व रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स है प्लस में थ्री थ्री जा नाइन अपॉन रूट वाई इक्वल टू कितना हो गया तीन त्रिका नौ, इसे देते समीकरण नंबर तीन। अब दो और तीन को देखो, किसको देखो दो और तीन को, और दो और तीन को यार दो जोड़ने पर लिख दोगे, इनको यारने पर जोड़ने लिख देना समीकरण नंबर दो व तीन को जोड़ने पर, ऐसे लिख देना थोड़ा सा दो व तीन को जोड़ने पर, क्या अब ये और ये कट जाएगा, सेम एलसीएम है तो ऊपर ऐड हो जाएंगे, तो 20 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू नौ रे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे ठीक है, और आप चाहो तो एक जीरो से जीरो आपकी कट गई, तो दो बटे ये इतना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, रूट एक्स के इसमें करेंगे तो रूट एक्स आएगा, टू बन जाए कितना आएगा टू आएगा, तो एक्स का मान कितना दोनों पक्षों में स्क्वायर मतलब वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर, मतलब कि इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी क्या कर दो स्क्वायर, दो का वर्ग चार और स्क्वायर से आपका रूट कट जाता है, एक्स का मान कितना है अच्छा था यहाँ पर सिंपल। अब एक्स का मान किसमें रख दो पहले में रख दो, किसमें रख दो पहले में लिखते हैं एक्स का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, कभी कभार सिंपल क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं छह नंबर में ठीक है। तो अब देखते हैं x का मान इसमें रखेंगे रखेंगे चार, इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा फोर अपॉन रूट एक्स है, x के प्लेस पे कितना रखना है चार रखना है, कितना रखना है चार प्लस में तीन बटे रूट वाई बराबर तीन। अब देखो रूट चार का मान कितना होता है दो, चार बटे आप दो लिख दो इधर जल्दी से, तीन बटे रूट वाई बराबर तीन, इसे काटा दो आया, ये दो प्लस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तीन बटे रूट वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर तीन माइनस दो, तीन में से दो गया है तो कितना बचा एक, तीन बटे रूट वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूट वाई बराबर कितना आएगा तीन, दोनों बच्चों में फिर वर्ग कर दो इधर भी वर्ग तो वाई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास तीन का वर्ग नौ, इस तरीके से आपके आंसर होगा एक्स और वाई का। और आपको इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करते एक्स और वाई का मान इसमें रखिए चेक कर लो, जैसे अंदाजा लगाओ यहां पर रखा तो आठ बटे कितना होगा दो होगा, माइनस का नौ बटे कितना होगा रूट वाई का मान कितना है आपका मतलब तीन हो जाएगा बराबर एक आना चाहिए, चार तीन चार में से तीन गया कितना होता है आपका एक, इसे चेक भी कर सकते थे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फोर का अथवा अथवा वाला भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, ये भी काफी लोगों ने इसको भी किया होगा अटेम्प्ट, फोर्थ का अथवा देखो क्या क्वेश्चन है फोर्थ का अथवा, देखो
एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल आपको दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में एक घंटे अपेक्षा अधिक लेती है, तो धारा की चाल याद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखना माना धारा की चाल, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। माना धारा की चाल कितनी दे रखी है, मान लिया हम लोग की इतनी है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, और आपको दे रखिए स्थिर जल में मतलब मोटर बोट की चाल, आपको दे रखिए मोटर बोट की चाल कितनी है हमारे पास, कितनी दे रखी है हमें 18 किलोमीटर पर आवर। देखो बात समझ, इसका एक बार इसका क्वेश्चन का मतलब आप समझिए, क्या क्वेश्चन है आपका। देखो जैसे कि एक हमें दे रखा है यहाँ से, देखो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर। इसकी इसके बीच की दूरी कितनी है हमारी, 24 किलोमीटर ही दे रखी है। कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो बात समझो, सपोज कर लेते हैं, देखो इसको समझा करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। इधर जैसे ये चल रही है, मान लेते धारा इस दिशा में जा रही है, ठीक है, तो धारा इस दिशा में जा रही, तो उसकी मोटर बोट अब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, देखो धारा के अनुकूल क्या लिखोगे, धारा के अनुकूल चाल निकालो, अनुकूल क्या निकाल लो, चाल। ठीक है, देखो मोटर बोट और धारा एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल ऐड हो जाएगी ना, देखो मोटर बोट देखो धारा की चाल x है और मोटर बोट की चाल कितनी है हमारे पास 18 है, तो उसी की दिशा में जब जाएंगे तो जुड़ जाएगी ना, तो इतनी हो जाती है यहाँ पर x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बात समझो इधर ही, इधर देखो धारा के प्रतिकूल यहां पर लिख सकते हो, धारा के प्रतिकूल किसके, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, देखो बात समझो। लेकिन अब देखो x माइनस 18 नहीं कर देना कोई, x देखो जो होगी धारा की चाल वो हमेशा कम होगी, तो कितनी होगी इसकी 18 माइनस x, समझ में आया, मतलब कि वापस आ रहे हैं, देखो यहां से इसकी चाल, देखो इसकी चाल है 18 और इधर 18 किलोमीटर पर आवर है, और जो धारा इधर जा रही है तो आपस में दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ में आया। तो आपको होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय निकाल लो, क्या निकाल लो आप इसका, समय निकाल लो, क्या निकाल लो, समय, और दूरी तो हमें फिक्स दे रखी है, दूरी दोनों में आप कितनी आ रही, दोनों में दूरी कितनी आ रही है, 24 किलोमीटर, कितनी आ रही है, 24 किलोमीटर। ऐसे ही आपको पेपर में करना था, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से आप समय निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, समय, समय का क्या फॉर्मूला बना सकते हो आप लोग, समय, समय इधर आया, चाल कहां जाएगी, बीच बटे में, दूरी बटे चाल, ये समझ में आया, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। तो यहां पर समय निकाल लेते हैं, यहां पर यहां का इसका ये निकाल लेते हैं समय, इस पे समय कितने लगे, धारा के अनुकूल जब जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, अनुकूल, दूरी कितनी गई है, 24, दूरी कहां गई है, 24, चाल, चाल इसकी इतनी है, देखो x प्लस 18 कितनी है, x प्लस 18। अब इधर आते हैं, इधर समय की बात करते हैं, इधर समय कितना लगेगा आपका, देखो यहां पर देखो सबसे पहले दूरी, दूरी उतनी तय करी है 24 किलोमीटर, और चाल इसकी इतनी हो जाएगी 18 माइनस x। ठीक है, तो अब देखो अब यहां पर आपको पढ़ना है, यहां पर आपको पढ़ना है कि किसको कितना समय लग रहा है। देखो यहां पर आप सवाल समझो, देखो हम लोगों ने दोनों का समय निकाल लिया, अब प्रश्नानुसार लिखोगे, क्या लिखोगे यहां पर, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या है सवाल हमारा, देखो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी अनुकूल वापस आने में की अपेक्षा में एक घंटा क्या लेता है, अधिक लेती है। देखो बात समझो, दोनों का समय लिखते हो 24 बटे एक्स प्लस 18, देखो ये क्या है, देखो अनुकूल जा रहा है, इसको क्या लगेगा, देखो अनुकूल जाने में कम समय लगेगा और इसे क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। देखो बात समझो, इधर देखो दोनों तरफ लिखो 24 बटे कितना लिखो 18 माइनस एक्स। अब देखो बात समझो, तुम देखो ऐसे भी हिसाब लगा सकते हो किसमें कम समय लगेगा, देखो ये जो है ये जो भिन्न है बटे में ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है आपका, बटे में ज्यादा है, इधर ये बटे में कम है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये बड़ी संख्या हुई और ये क्या हुई हमारी, छोटी संख्या हुई। ऐसे भी आप समझ सकते हो, देखो इससे भी हिसाब लग जाता है, ये छोटी संख्या हुई, ये क्या हुई, बड़ी संख्या, किधर एक जोड़ा जाएगा, इधर एक जोड़ा जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। देखो ये आपकी बड़ी चीज है, देखो बड़ी संख्या है, इसको देखो क्या लगेगा, जो छोटी संख्या है, क्या हमारी छोटी संख्या, उसी में तो एक जोड़ोगे, कई बच्चे इसमें एक जोड़ देते हैं इसलिए सवाल गलत हो जाता है। तो इसको सबसे पहले उधर लेके जाओ, इसको बस सॉल्व करना है, एक बराबर
24 बटे 18 माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस का 24 बटे कितना हो जाएगा आपका x प्लस 18, या फिर 18 प्लस x लिख दो इसको, 18 प्लस x, ऊपर से 24 को मैंने क्या को मैंने 24 को मैंने, तो एक बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 18 माइनस एक्स, और माइनस का एक बटे 18 प्लस x, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, देखो एक 24 एलसीएम ले लो, क्या ले लो आप एलसीएम 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, इसका इधर गुणा होगा 18 प्लस एक्स माइनस का 18 प्लस का x, तो आपका 18 से 18 कट गया, 18 से 18 कटा, तो यहां पर इसको आगे सोल्व करते हैं इधर, देखो अब क्या हो जाएगा, देखो एक बराबर चल रहा है आपका 24, और यहां पर ऊपर कितना होगा x और x 2x हो गया यहां पर अपॉन में, यहां पर आपका देखो a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब 18 का वर्ग कितना होता है 324 माइनस का x का वर्ग कितना होता है 24, x का वर्ग होता है x स्क्वायर, कितना होगा क्लियर। अब देखो इसका इधर गुणा हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो कितना हो जाएगा यहां पर 24 दूनी 48x, कितना हो जाएगा 48x, इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 324x, 324 माइनस का x स्क्वायर, देखो इसका इधर और इसका इधर की होगा, समझ में आपको, यहां पर 24 दूनी 48x और इसका एक में गुणा होगा 324 माइनस का x स्क्वायर, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर इधर आएगा प्लस का 48x, और यहां पर कितना है हमारा माइनस का 324, 324 के ऐसे फैक्टर करो जो कितना आ जाए 48 आ जाए, कितना आ जाए 48, 324 के आपको फैक्टर करने होता, यहां पर ऐसे कर सकते हो 18 है, ऐसे हिसाब लगा लो 18 गुणा 18 था, 18 कितने होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 होते हैं, इसके 2 गुणा 3 गुणा 3 होते हैं, मतलब इसके फैक्टर हो गए हमारे 324 के, जल्दी करने होते हैं, तो अब हिसाब लगाते हैं यहाँ पर 48 आने चाहिए, कितने आने चाहिए 48, तो यहाँ पर 18 हो गया, 18 तिया 54, 54 में से कितने हटा दो 6, 54 में से 6 गए 48, हाँ सही है फैक्टर हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस का कितना होगा हमारा 6x माइनस का 324 बराबर 0, यहाँ पर x को माने x प्लस 54 आएगा, यहाँ पर 6 को माने x प्लस, यहाँ पर भी कितना आएगा 54 आएगा इक्वल टू 0, तो x प्लस 54 एक ब्रैकेट में आएगा और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आएगा, यहाँ से आपका यहाँ पर x माइनस x प्लस 54 बराबर 0 आएगा, तो x का मान आएगा आपका माइनस का 54, और यहाँ पर आपका आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा आपका प्लस का 6, तो आंसर कौन सा लिएगा प्लस का, तो यहाँ पर लिखोगे आते हैं धारा की चाल कितनी है हमारे पास x थी हमारी। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5th लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है, इसमें क्या दे रखा है, देखो धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर है, निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और क्या दे रखा है 40 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये भी सिंपल आपका क्वेश्चन था, कर लिया होगा आपने इसको, बस कैलकुलेशन हो सकती है इसके अंदर आपके, क्या दे रखा है हमें देखो एक धातु से बनी एक चादर है जिसकी हमको ऊंचाई दे रखी है, देखो ऊंचाई क्या होती है, देखो यही होती है हमारी ऊंचाई, इस तरीके से छिन्नक है, छिन्नक आपका बाल्टी जैसे आकार का होता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर है, और हमें क्या दे रखा है देखो इसकी 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है और 20, देखो 8 ये दे रखी है निचली सिरे की 8 सेंटीमीटर है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, मतलब कह सकते हो ये R1 है और ये क्या है हमारी R2 है और ये क्या है हमारी H है, तो सबसे पहले ये चीज लिख लिया करो, मतलब कि आपको दे रखा है माना, यहाँ पर लिख सकते हो क्या है बर्तन है आपका, यहाँ पर लिख सकते हो छिन्नक, लिख सकते हो यहाँ पर छिन्नक की ऊंचाई H बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, छिन्नक की क्या लिख सकते हो निचली त्रिज्या, निचली त्रिज्या क्या दे रखा है R1, कितनी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर कितनी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, ये आप पहले लिख देना, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो छिन्नक की, ठीक है, तो ये चीज तो हमें दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा है, देखो दूध, देखो इसके अंदर बर्तन में सीधी बात है दूध भरा जा सकता है, कितना भरा जा सकता है, मतलब आयतन के बराबर, मतलब छिन्नक का आयतन आपको पहले निकालना है, छिन्नक का आयतन फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, छिन्नक का आयतन क्या होता है आपका, देखो 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर
ओ प्लस में आर वन इंटू आर टू इंटू में एच, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/3। अच्छा पाई का मान इन्होंने नीचे हिंट दे रखी है 3.14 लेना है, जिससे आंसर आपका परफेक्ट मैच करेगा। आर वन का मान, आर वन का मान कितना है, 8, 8 का वर्ग और 20 का वर्ग, ठीक है, और प्लस में आर वन इंटू आर टू, आर वन का मान कितना है 8 इंटू 20, इंटू एच का मान कितना है 24, तो 1/3 3.14 गुणा में 8 का वर्ग कितना होता है हमारा 64, 8 का वर्ग 64, 20 का वर्ग 400 और 8 दूनी 16 इंटू 24, बल्कि 24 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 3×8=24, 3.14 गुणा में इसको इसको जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 6 और 6 12, हासिल लगी 1, 4, 5 और 1 6, 624 गुणा में कितना है 8, इसका गुणा करके बताओ जल्दी से, गुणा करने में टाइम लगेगा, रुको हम आपको इससे कैलकुलेटर से आपको गुणा करते हैं टाइम बचाने के लिए। देखो 3.14 है और 624 गुणा में आपका है 624 और गुणा में कितना है हमारे पास 8, तो ये आ रहा है आपका 15674, कितना आ रहा है आपका 15674, ठीक है, और 674 पॉइंट में कितना है आपका 8 और 8, ठीक है। ये हमारा आंसर देखो सेंटीमीटर दे रखे ना, सेंटीमीटर क्यूब में आया, किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है आपका 1/1000 लीटर के, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं 1/1000 लीटर होते हैं, तो 1000 कैसे भाग दे दोगे 674.88/1000 और क्या आ जाएगा लीटर। अब जैसे पॉइंट यहाँ पर है, 3 अंकों के दशमलव इधर आ जाएगा, तो 15.67488 लीटर, बल्कि अप्रोक्सीमेट 6-7 तक लिख सकते हो आप इतना, ठीक है, तो ये आ चुका है। अब देखो क्या दे रखा है आगे सवाल में, 40 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरे भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य। देखो यहाँ चीज आप समझो, आगे क्या दे रखा है, देखो 40 रुपए प्रति लीटर की दर से, देखो 1 लीटर दूध का मूल्य सीधा लिख दो, 1 लीटर दूध का मूल्य जो भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य कितना है हमारे पास 40 रुपए का, कितने का हमारे 40 रुपए का, लेकिन हमें कितने लीटर दूध भरना है इसके अंदर 15.67488 लीटर है, ठीक है, इतने दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 40 में गुणा कर देंगे कितने का 15.67488, ये गुणा भी कर सकते हो आप आराम से, ठीक है, तो जब ये जल्दी से हम गुणा करके दिखाते हैं, गुणा में कितने का है आपका 40, कितना आया आपका आएगा 626.99995, ठीक है, इतना आपका लगभग आएगा, ठीक है 5-2, देखो ये आया ना लगभग अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 6-2-7, मतलब 9 है ना इधर 7 बढ़ा दो, इतने रुपए आपको देने, तो इसका अप्रोक्सीमेट आपका इतना आंसर आपका सही माना जाएगा 627 आपका रुपए इसका आंसर होगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसका अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका करते हैं, ठीक है, अब देखो आपका फिफ्थ का आपका अथवा वाला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन अब आपका बचा हुआ है, जल्दी से इसको भी देख लीजिए, फिफ्थ का अथवा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा दे रखा है, ये क्वेश्चन काफी सही था। 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार ब्लै बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई आती है। देखो बात समझो इसका क्या सेंस है, एक देखो कुआं खोदा गया है, कुआं कैसा होता है आपका बेलनाकार होता है, इसका पहले डायग्राम आप समझ लो अच्छी तरीके से क्या सेंस है इसका। देखो डायग्राम बल्कि बनाना नहीं है, लेकिन तब भी आपको समझाने के लिए हम आपको बताते हैं कैसा है डायग्राम। ये एक आपका बेलन है, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ही देख लेना सही से बन रहा है इधर, ठीक है, जिसकी हमें दे रखी है, देखो जिसकी देखो गहराई मतलब कि 14 मीटर है, समझना, देखो जिसकी गहराई इतनी 14 मीटर है और 3 मीटर आपका इसका क्या व्यास है, व्यास क्या होता है बेटा यहां से लेके यहां, 3 मीटर व्यास है यहां से लेके यहां तक, ये होता है हमारा व्यास। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 मतलब कह सकते हो 1.5, कितनी कह सकते हो 1.5 मीटर रह जाएगी यहां से लेके यहां तक, पहले इतना ऐसा समझो, इसकी त्रिज्या इतनी क्लियर हो गई। अब देखो इतनी गहराई से हमने क्या निकाली, इससे मिट्टी निकाली, क्या निकाली अब मिट्टी,
और ये इसी कुएं के क्या लगानी, चार ओर लगानी है। क्या लगानी है? चार ओर। अब देखो कैसे लगानी है, देखो बात समझो ध्यान से। और कितने मीटर चौड़ी मिट्टी लगानी है? 4 मीटर चौड़ी आपको वृत्ताकार मिट्टी, मतलब कि इस तरीके से बनानी है। देखो बात समझना ध्यान से, इसको समझना एक बार ध्यान से, इसको, इस सवाल को। ये है, इसके चारों ओर मिट्टी लगा रहे हैं हमने, रेड कलर से इसलिए यूज कर रहे हैं। और इधर की तरफ देखो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया, 4 मीटर। कितना? 4 मीटर चौड़ा, ठीक है, 4 मीटर चौड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपका इसके ऊपर बनेगा, या फिर आप नीचे भी ऐसे बना सकते हो, ऐसे इस तरीके से इसके ऊपर आपके तरफ लगाया जाता है। थोड़ा समझना ध्यान से, देखो इस तरीके से इसके ऊपर, देखो किनारे किनारे है ना, समझ में आ रहा है? ये इस कुएं के किनारे किनारे ये लगाई गई है मिट्टी। तो इस सवाल में इसकी क्या पूछी है? इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस बांध की हमें क्या निकालनी है? ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। सवाल में इसकी क्या निकालनी है? ऊंचाई, ये वाली हाइट आपको निकालनी है। सवाल को समझ में आ रहा है आपको? ये वाली हमें क्या निकालनी है? हाइट आपको निकालनी है। अब देखो इसके अंदर होता है क्या है, ये खोखले बेलन हो गया है। क्या हो गया? खोखला बेलन, उसका आयतन आपको करना है। देखो यही तो आयतन होगा। अब देखो बात समझो, इसके लिए त्रिज्या चाहिए। अच्छा ये डेढ़ है आपकी, 1.5 मीटर है, तो ये भी हमारी 1.5 मीटर होगी, यहां से लेके यहां तक। ये वाली त्रिज्या कितनी होगी? 1.5 मीटर होगी। मतलब ये भी हमारी, कह सकते हो ये भी तो हमारी 1.5 है ना, ये 1.5। अब देखो ये 4 है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई? यहां से लेके यहां तक कितनी होगी? 4 और 1 कितनी होगी? 5.5 मीटर हो गई। देखो ध्यान से सुनना, 5.5 मीटर कहां से लेके कहां तक हो गई? यहां से लेके यहां तक, भारी त्रिज्या। अब इतना काम पहले आपको लिखना है। देखो सबसे पहले आप लिखोगे कुएं, किसके लिखोगे, क्या क्या दे रखा है हमें? कुएं, यहां पे देखोगे कुएं, कुआ की गहराई, गहराई, गहराई का यही हमारी ऊंचाई होती है। H1 और इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने क्या दे दिया? H1 दे देते हैं। क्या देते हैं इसे? H1 कितनी है? 14 मीटर है। कितनी हमारी? 14 मीटर है। इसका ब्यास दे रखा है, कुआ का ब्यास, कुआ का ब्यास लिख सकते हो, ये आपको लिखना होता है हिंदी थोड़ी बहुत। ब्यास कितना दे रखा है? 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या इसको R1 दे देते हैं। क्या देते हैं इसे? R1। R1 कितनी हो जाएगी हमारी? 3/2, आधी होती है ना ब्यास की, तो 1.5 मीटर। इतना क्लियर हुआ आपको? अब देखो आपको यार ने, आप इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया आपको? एक वृत्ताकार, क्या बनाया? ब्लै बनाया गया है, वृत्ताकार ब्लै, लिख देते हैं वृत्ताकार ब्लै, ब्लै की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। माना वृत्ताकार ब्लै की ऊंचाई कितनी मानी लोग ने? H। कितनी मानी हम लोग ने? H। और इसकी देखो आंतरिक त्रिज्या क्या लिख सकते हो? वृत्ताकार ब्लै की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या R1 है, जो हमारी कितनी है? 1.5 मीटर है। देखो बेटा आंतरिक त्रिज्या कितनी आपकी? 1.5 मीटर है। और आपकी बाहर वाली त्रिज्या देख सकते हो, बाहरी त्रिज्या, भारी त्रिज्या, भारी त्रिज्या कितनी है हमारे पास? देखो 1.5 प्लस 4 कितनी हो जाएगी? 5.5 मीटर। इतनी चीजें आपको पहले लिखनी होती है। तो सीधी सी बात है, इसका आयतन बराबर इस ब्लैकार, जो ब्लैकार आपका क्या है? बांध है। क्या क्या दे रखे उन्होंने? फैलाकर क्या बनाया? बांध बनाया गया, ब्लैकार, वृत्ताकार ब्लै बांध। यहाँ पर ऐसे बांध का शब्द और यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? इसका आयतन किसका? कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर कर दो किसका? वृत्ताकार, वृत्ताकार किसका? ब्लै बांध का आयतन। दोनों का आयतन बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इस सवाल में इतना ही आपको करना था। अब कुएं का आयतन क्या होता है हमारा? देखो पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी त्रिज्या को हमने क्या दी है? R1। ऊंचाई कितनी दी है इसका? H1। अब इसका क्या होता है हमारा? देखो पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू H, जो बड़ा होता है उसमें से घटा दो। बड़ी वाली त्रिज्या आपकी R2 है ना, R2 बड़ी वाली त्रिज्या मान रखी है हम लोगों ने। R2 क्या मान रखी है? बड़ी वाली त्रिज्या, उसमें से R1 को घटा दो इंटू H। देखो पाई से पाई कट जाएगा आपका। R1 का मान कितना है हमारे पास? R1 का मान है 1.5 इंटू 1.5 इंटू H। H1 का भी मान हमें पता है, H1 का मान कितना हमें दे रखा है? 14 बराबर। R2 का मान हमारे पास कितना है? 5.5 है, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू में H, H हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, इसको 3/2 लिख लो, 3/2
तीन बटे दो इंटू 14, और इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, एक बार प्लस कर दो 5.5 में 1.5 एक बार प्लस कर दो, और एक बार क्या कर दो माइनस कर दो 5.5 में से 1.5 को आपके यार दो एक बार माइनस कर दो। अच्छा प्लस करेंगे इतना आ जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 हासिल और 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा 0, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 4 इंटू एच, और ये 3 बटे 2 गुणा, बल्कि 2 से काट सकते हो, कितनी बार जाएगा आपका 7 बार, 3 गुणा 7, ठीक है। अब जो गुणा में होते हैं वो कहाँ आते हैं भाग में, इधर आपको लिख देते हैं, इधर देखो ध्यान से, इधर कैलकुलेशन समझो, इधर कितना है आपका देखो h बराबर हम सीधा लिखते हैं h बराबर 3 × 3 × 7 बटे में, कौन है 2 है गुणा में। अब जो 7 है गुणा में कहेंगे भाग में आएंगे, और जो 4 गुणा में वो कहेंगे भाग में आएंगे, ठीक है। 7 से 7 कटेगा, आंसर कितना आएगा h बराबर कितना है आपका 9/8। अब इसका आपको मान निकाल देना है, बस h का मान निकाल दो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 8 × 8 कितना बचा आपके पास 1, 8 × 8 कितना बचा आपका 2, 20 हो गए, 8 × 2 = 16, 4 × 8 = 45, तो इतना हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार आपका ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आपका क्लियर हो गया है। तो देखो आपको जहां तक ये पेपर बिल्कुल सिंपल था, बस इसमें ये चीज था कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे ना, जैसे कि आपकी जो हमारा क्वेश्चन कौन सा था, हमारा रचना वाला क्वेश्चन था और माध्यिका वाला, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे जो कि इन्होंने 2 नंबर में डाल दिए थे, और पूरा पेपर आपका लगभग बिल्कुल सरल ही था।